हेलो व्यूअर्स दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एमके मूवी फैक्ट पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं 2023 की सुपरहिट मूवी डंकी मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ-साथ आप लोग के बीच लेकर हाजिर हुए हैं सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान की मोस्ट मूवी डी मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे दोस्तों आज की बात करेंगे फिल्म का डायरेक्टर फिल्म का सुपर स्टार के साथ साथ दोस्तों फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जानकारी दोस्तों आज की देने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों क्या आप फिल्म डी मूवी को दोस्तों हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों चलो वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म टंकी जो कि दोस्तों यह एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो एक अवैध अप्रवासन तकनीक और गंधे की उड़ान गंधे की उड़ान पर आधारित है अभिजाता का ढिल्लो के साथ लिखी से राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और संपादित इसका निर्माण रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज और राजकुमार हिरानी फिल्म्स के बैनर तले किया गया है शाहरुख खान और पन, पन्नो बी की कौशल विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दोस्तों बुमन निमरानी है फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी लेकिन दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने में शुरू हुई थी जो दोस्तों मुंबई जबलपुर कश्मीर बुड्डा पेस्टर लंदन और जुद्दाह न्योम में हुआ है और दोस्तों अप्रैल 2023 में पूरी हुई और साउंड की रचना प्रतिम ने किया था जबकि दोस्तों अमन पंत ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था सिक्के मुरली धरन और मनुष्य और अमित राय ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संभाली है फिल्म टंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से समीक्षाएं मिली थी लेकिन दोस्तों फिल्म ने अपने बजट 120 करोड़ यानी दोस्तों यूएस 15 मिलियन के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में चार से बावन करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था जो दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तो संतावन मिलियन से अधिक की कमाई की और जो 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी भारतीय नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी 2023 दो में दोस्तों यह सुपरहिट साबित हुई और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में सुपर अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान हद्याला हद्याल हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में शाहरुख खान अपना रोल निभाए हैं मनु रंधावा के रूप में तपस्वी पन्नो और सुखी के रूप में बिकी कौशल विशेष उपस्थिति में हैं, जबकि दोस्तों जितेंद्र गित्तू और गुल्लाटी के रूप में बोमन ईरानी विक्रम कोचर और बलि बलिंदर बगो लख लखनपाल के रूप में दिखाई दिए हैं जबकि अनिल ग्रोवर बल्ले का कट के रूप में है और वहीं दोस्तों इस फिल्म में एक से बढ़कर एक स्टार एक से एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं दोस्तों बात की जाए फिल्म की विकास यानी दोस्तों 2020 के अंत यह बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशक के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई और यह फिल्म हिरानी के साथ था खान का पहला सहयोग है। खान ने खुलासा किया था कि हिरानी ने उस अपनी खान ने खुलासा किया उन्होंने अपनी फिल्मों मुन्ना भाई एमबीबीएस 2003 और थ्री इडियट्स 2009 भूमिका की पेशा की थी जिसे दोस्तों उन्होंने अतादि अस्वीकार कर दिया था अगस्त 2021 तक पाठकदा पूरी हो गई थी और अप्रैल दो 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी ईरानी ने अभिजात और अभिजात जोशी और कानिका ढिल्लू के साथ फिल्म का सलेखन किया था सिनेमाटोग्राफर अमित राय को पहले चुना गया था लेकिन दोस्तों हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेद के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी उनकी जगह सीके मुरलीधरन को लिया गया था लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और दोस्तों फिल्म के थ्री छह और पी के 2014 के बाद यह हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग है रिपोर्टों के अनुसार मनोज नंदन और अमित राय और कुमार पंकज ने फिर भी फिल्म को छायाकार के रूप में काम किया था लेकिन दोस्तों मुकेश कास्टिंग डायरेक्टर थे और तपस्वी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था जो दोस्तों खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग था खान के रेडचेलिस इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 हजार निर्माण किया गया था बिकी कौशल और फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी लेकिन दोस्तों बोमन ईरानी अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म की फिल्म फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मुंबई में शुरू किया गया था दोस्तों मुंबई में शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ था लेकिन दोस्तों फिल्मांकन जुलाई 2022 में बाईस में और लंदन में हुआ था दोस्तों एक महीने बाद पूरा हुआ था खान की विशेषता वाला एक बाइक का अनुक्रम और अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था नवंबर 2022 में सऊदी अरब में बारह दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और जिसमें दोस्तों जद्दा और नेम एस्थान शामिल थे दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम हुआ था जबकि दोस्तों जनवरी 2023 में खान की विशेषता वाला अंडर वाटर सिक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था इसी बीच इस दोस्तों खानसो एक अन्य प्रोजेक्ट जानवर पर भी काम कर रहे थे और अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी उसी महीने टीम ने चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई जो दोस्तों श्रीनगर पंपोर और सोनमार्ग सहित जत्थावास, ग्वालियर ग्वालियर और पुलवामा में हुई थी गणेश ने आचार्य द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और गीत अनुक्रमण कश्मीर में फिल्माया गया था फिल्मांकन और अप्रैल 2023 तक तेईस सुन, तक सोनमार्ग कश्मीर को पूरा कर लिया गया था फिल्म की शूटिंग पचहत्तर दिनों में की गई थी जिसमें जिसमें से खान ने साठ दिनों तक शूटिंग की थी कथित तौर पर फिल्म का बजट एक सौ बीस करोड़ रुपए की है और जिससे दोस्तों जिसमें मार्केटिंग लागत की शामिल थी फिल्म की डोंगी मूवी की साउंड ट्रैक यानी दोस्तों की संगीत प्रतिम द्वारा रचित है सबकी दोस्तों बैकग्राउंड स्कोर पंता द्वारा रचित है पहला एकल शीर्षक बाईस नवम्बर दो हजार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एकल शीर्षक निकले द कभी हम घर से एक दिसंबर दो हजार तेईस को जारी किया गया था तीसरा एकल शीर्षक माही दिसंबर दो दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जबकि दोस्तों चौथा शीर्षक बंदा अठारह दिसंबर 2023 को जारी किया गया था वही दोस्तों पांचवा एकल शीर्षक चलवे वतनम और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था मैं तेरा रास्ता था देखूंगा साउंड ट्रेक एल्बम के साथ बीस दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था फिल्म का टीजर डंकी ड्रॉप वन शीर्षक से, से दो नवंबर दो हजार तेईस को खान के अंठानवे जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था कुल मिलाकर दोस्तों आठ ड्रॉप्स और एक के बाद एक जारी किए गए थे ड्रॉप टू को 22 जनवरी को लूट गया था और गाने के रूप में रिलीज किया गया था ड्रॉप थ्री को एक दिसंबर दो हजार तेईस को निकले में भी कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था जबकि दोस्तों फिल्म का टेलर टंकी ड्रॉप फोर फाइव दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी ड्रॉप फाइव को ड्रॉप फाइव को ग्यारह दिसंबर ओ माही गाने के रूप में रिलीज किया गया था वहीं सत्रह दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था ड्रॉप सिक्स को 18 दिसंबर को बंदा गाने के रूप में रिलीज किया गया था और डंकी ड्रॉप सेवन को 27 दिसंबर को मैं तेरा रस्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी ड्रॉप आठ को 4 जनवरी 2024 को लंच चार जनवरी 2024 को चलवे वतना गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी को नाटक रूप से इक्कीस दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था लेकिन दोस्तों फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी जिसका खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खान कॉन्फ्रेंस के दौरान खंडन किया गया था पेन स्टूडियोज ने पेन मरुधार इंटरटेनमेंट के बैनर बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाट्य अधिकार हासिल कर लिए थे श्री गोकुलम ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म फिल्म के नाट्य के वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विपरीत किया गया था पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र में मैसूर क्षेत्र के अधिकार राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विपरीत और पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र अधिकार हासिल कर लिए गए थे एस ने पश्चिम बंगाल के लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए थे विदेशी वितरण अधिकार गसराज फिल्म्स के बेच दिए गए थे और होम स्क्रीन इंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे और जबकि दोस्तों ल, लाइट हाउस स्ट्रोवी स्ट्रॉब ने एस्पेन की स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे एक्शन कॉट और इंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की थी फिल्म के अंतरराष्ट्रीय गैर और नाटक के वितरण अधिकार दो तीस करोड़ में बेचे गए थे जबकि घरेलू गैर नाटक के स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा एक से पचपन करोड़ में हासिल कर लिए थे दोस्तों फिल्म की समीक्षा या नियगरी ग्रेटर वेबसाइट 19 मार्ट को ने उन्नीस सौ में से तिरपन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नब्बे इंडिया टुडे की सार जोशी ने पांच में से चार स्टार दिए और लिखा कि थ्री इडियट्स या पीके की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता है लेकिन दोस्तों यह अभी भी मनोरंजक करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री परण सेनगुप्ता ने भी पांच में से साढ़े पांच में से 4 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म टंकी की कहानी एक भावनात्मक कहानी है दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाले हैं और दिल को छू लेने वाले हैं लेकिन दोस्तों पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क में हिरानी सौली में कॉमेडी की भरपूर मात्रा है जो दोस्तों तो इसे एक मनोरंजक यात्रा बनने के लिए व्यग के साथ साथ फिल्म में मजबूत संदेह भी देती है पिंक बिल्ला के एक समीक्षक ने कहा कि एक आधुनिक समय का क्लासिक क्लासिक मन कलासिक मना लेकिन दोस्तों यह एक गति आलोचक है बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म को पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए और सम्मान किया था लेकिन दोस्तों फिल्म टी सही संदेश और भावनाओं की पुष्टि भूमि की साथ फिल्म निर्माण और राजकुमार हिरानी की छाप रखती है हालांकि दोस्तों फिल्म डंकी या उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है और काफी हद तक खेल बिगड़ता है फिल्म फेयर के देवेश शर्मा फिल्म के समीक्षाओं को पा परे और एक दुनिया के संदेश के प्रसन्न हुआ है और दोस्तों खान और पुन्ना के प्रदर्शन की और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने इसे दिल वाली कहानी जो भावना भावनाओं से भरपूर है करार दिया लेकिन दोस्तों खान एक पन्नों के प्रदर्शन की प्रशंसा करने के बावजूद वह उनकी केमिस्ट्री से नाखुश थी एनडीटीवी के शैवल चटर्जी का मानना था कि फिल्म की ताकत ता खान के एस्टार ड्रम की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों की विशेषकर विकी कौशल को चमकने, दे, चमकने देने की क्षमता में निहित है फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक ने भी माना था कि कौशल की विशेष उपस्थिति ने सरलीकृत और फिल्म को बढ़ाता था द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने फिल्म टंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना लेकिन दोस्तों इसमें आपको हंसने और मथन करने के लिए पर्याप्त है मिंट के उदय भाटिया ने इसकी तुलना सीमा पर करने के बारे में एक सीरियाई सिर्या, एक फिल्म डुब्स उन्नीस तिहत्तर से, तिहत से नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है लेकिन दोस्तों उस फिल्म के केंकी केवल अवैध अप्रवासन और संकट में हद तक तक दिलचस्पी रखती है जहां दोस्तों वह अनुमति देती है और हिरानी और खान अपने सामने होंगे रेडी डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने कहा कि डंकी महत्वाकांक्षा से भरपूर है लेकिन दोस्तों इसका मनोर का इसका कमजोर आधार इस लगभग तीन घंटे की लंबी यात्रा को दूर में दूर के रोमांच में बदल देता है जिस पर दोस्तों विश्वास करना कठिन हो जा सकता है इसे दोस्तों खरीदना कठिन हो जा सकता है और एस्क्रल इनकी नंदनी रामनाथ ने फिल्म को स्पष्ट और हास्यापद कहकर खारिज कर दिया था और दोस्तों कहा कि अजीब तरह के फिल्म को खान के डिम्पल आकर्षण और तपस्वी पन्नू विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्साही मोड द्वारा संक्षिप्त रूप से जीवित कर दिया था द इंडियन एक्सप्रेस की शुभरा गुप्ता ने पाँच में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसकी क्रैशिंग वोर के रूप में आलोचना की थी और दोस्तों इसे हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म माना था दोस्तों बात की फिल्म डंकी की डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी दोस्तों फिल्म डंकी के पास किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की तेरहवीं सबसे ज्यादा तेरहवीं सबसे ज्यादा अग्रिम बुकिंग थी और अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने इसने शुरुआत में कुल कमाई अट्ठाईस करोड़ का किया था यानी दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तक 3.5 मिलियन की कमाई की थी इसे दोस्तों दूसरे और तीसरे क्रम यानी दोस्तों 20 करोड़ की कमाई की थी और दोस्तों 7 जनवरी 2024 ने 27 जनवरी 2024 तक डंकी फिल्म ने भारत में 250.55 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था वहीं दोस्तों फिल्म इसके अलावा विदेशी बाजार में एक तिरानवे पॉइंट उनचास करोड़ का कलेक्शन किया है वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने अनुमति कलेक्शन यानी दुनिया भर में चार बावन पॉइंट सतासी करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में डंकी मूवी में सुपर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेता तपस्वी पन्नू विकी कौशल बोमनी रानी जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ सुपर स्टार अभिनेत्री पन्नू देखने को नजर आने वाली है वही दोस्तों बात की जाए यह एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने दोस्तों तपस्वी पन्नू के नाम से जाना जाता है यह एक भारत तो भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है उन्होंने दोस्तों कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें से दो फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्मेयर ओ पुरस्कार शामिल है यह एक संक्षिप्त फिल्मफेयर ओ पुरस्कार शामिल है दोस्तों एक संक्षिप्त मॉडलिंग कैरियर के बाद पन्नू ने 2010 की तेलुगु फिल्म झुमडी नदम से अभिनय की शुरुआत की थी जो 2011 की तमिल फिल्म कलम में अभिनय किया था उन्होंने दोस्तों डेविड की कॉमेडी चश्मे बद 2013 से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाने के बाद पन्नू को हिंदी जासूसी फिल्म बैवी 2015 और कोट कोटरोम ड्रामा पिंक 2016 हजार में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस मिला था जो दोस्तों दोनों महत्वपूर्ण और व्यवसायिक रूप से सफल रही थी अभिनेत्री पन्नू को हिंदी सिनेमा में वार ड्रामा द गाजी अटैक 2017 सोशल ड्रामा मुल्क 2018 रोमांटिक ड्रामा मनमर्चिया दो थ्रिलर बदला दो, दो और एस्पेस ड्रामा मिशन मंगल 2019 में प्रसिद्ध मिली थी बायोपिक की आँख 2019 में 17 साल साल की साल की पार, सुडर और प्रकाशी तोमार की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था दोस्तों अनुभवी सिन्हा अनुभव सिन्हा के नाटक थप्पड़ 2020 में तलाक से गुजर रहे और गृहिणी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें पुरस्कार जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फेयर पुरस्कार तब से उन्होंने एस्ट्रीमिंग फिल्मों और हसीन दिल रोबा 2021, रश्मि राकेट 2021 और लूप लपेटा 2022 में अभिनय किया था वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की सुपर स्टार अभिनेत्री तपस्वी जो कि दोस्तों तपस्वी पन्नू 2010 में रागेंद्र राव की रोमांटिक रोमांटिक म्यूजिक झुम्मी नंदम से सिनेमाई शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों यूएसए स्थित एक करोड़पति की बेटी की भूमिका निभाए जो दोस्तों पारंपरिक तेलुगु संगीत और शुद्ध करने के लिए भार भारत आती है उदाहरण वाचित यानी दोस्तों फिल्म की रिलीज से पहले पन्नू को तेलुगु में तीन और अप्रवास मिले थे उनकी अगली फिल्म आडू कलाम 2011 ने तीन 2011 में दो तो हज़ार ग्यारह ने तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों एक एंग्लो इंडियन लड़की की भूमिका निभाई जिसे दोस्तों धनुष द्वारा निभाए गए धनुष द्वारा गए एक ग्रामीण व्यक्ति से प्यार हो जाता है मुद्दे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मुर्गे की लडाई के इर्द गिर्द घूमती है इसे दोस्तों समीक्षा को द्वारा सराहा गया था और 58वें फे फिल्म फेयर 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले सफर रही थी दोस्तों उनकी भूमिका के बारे में बोलते हुए सीफी के एक समीक्षक ने कहा कि नौदित अभिनेत्री तपस्वी पन्नो एक आवश्यक जनक खोज है जो दोस्तों और एक एंग्लो इंडियन लड़की के किरदार में फिट बैठती है यह विष्णु विष्णु मंचू के साथ वस्तादू नाराजू 2011 के साथ तेलुगु फिल्म उद्योग में लौटी और उन्होंने उस वर्ष के अंत मम्मोटी और नादिया मोइू के साथ डबल्स 2011 के साथ मलायम सिनेमा में कदम रखा था रेडिफ के और ने की थी कि सराहा सारा बन्नो के रूप में तपस्वी पन्नो जिसका दृश्य में प्रवेश भाई बहनों के बीच विवाद का कारण बन जाता है उसके दोस्तों उसके पास करने वाले उसके पास करने के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है अभिनेत्री पन्नू के अपनी अगली रिलीज मिस्टर परफेक्ट 2011 में एक छोटी सी भूमिका निभाई इसमें दोस्तों उन्होंने प्रयास और काजल अग्रवाल के साथ काम किया था दोस्तों उन्होंने रवि तेज और काजल अग्रवाल के साथ वीरा 2011 नामक का एक उच्च बजट वाली फिल्म में अभिनय किया था दोस्तों मध्यम समीक्षा मिली थी। उन्होंने अगली बार उनकी दूसरी तमिल फिल्म बधन वेन्द्र में देखा गया था जिसमें दोस्तों जिसमें दोस्तों विशेष समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी उनकी अगली फिल्म कृष्णा वामसी की मोगुडो थी जिसमें दोस्तों उन्होंने गोपीचंद के साथ एक प्रमाण एक पारंपरिक तेलुगु लड़की की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा हासिल की थी उन्होंने दोस्तों इस समय कई तेलुगु फिल्म में काम किया था जिसमें दोस्तों गुंडेलो और गोदारी दारूबू और अर्थ और दोस्तों सैडो शामिल है 2013 में दोस्तों पन्नू ने डेविड धोन की चश्मे से हिंदी फिल्म में डेवी किया था उन्होंने दोस्तों कलाकार सिद्धार्थ ऋषि कपूर और दिवेदु शर्मा और अली जफर थे उन्नीस सौ इक्यासी की इसी नाम की फिल्म का रिमेक है इसे दोस्तों सर्वसम्मानित से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल थी बाद में दोस्तों उन्हें बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर बम में अजित कुमार नैंतरा और आर्य के साथ देखा गया था उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और तमिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने प्राप्त करने के अलावा फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए 2014 एडिशन सबसे उत्साही कलाकार महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एक साल तक बिनी रिलीज रहने के बाद उन्होंने नीरज पांडे की फिल्म बेबी 2015 में अक्षय कुमार के साथ अंडरकवर एजेंट सबाना खान की सहायक भूमिकाओं के लिए जाना गया था बाद में दोस्तों उनकी दो तामिल रिलीज हुई हर्र कॉमेडी मुन्नी थ्री राव राघव लारेस के साथ और ऐश्वर्या राय धानुष की वो राजा वो जिसमें वह एक विशेष भूमिका में थे रनिंग शादी की शूटिंग के दौरान सुजित सरकार ने कोटर रूम ड्रामा पिंक के लिए पन्नों से संपर्क किया गया था वह इस विषय को लेकर उत्सुक और उत्साहित थी क्योंकि दोस्तों इसी विषय पर मुख्यधारा के सिनेमा मुख्यधारा के सिनेमा और अभी तक सीधे तौर पर विचार नहीं किया गया था यह फिल्म यह फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन कीर्ति कु, कुल्हारी और एड्रिया तारियंग भी थे तीन लड़कियों पर आधारित थी जो दोस्तों एक राजनेता के अभितेज के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला लड़ती है अभिनेत्री पन्नू की 2017 की पहली रिलीज रोमांटिक का कॉमेडी रनिंग शादी थी जिसमें दोस्तों उन्होंने एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभाई थी जो दोस्तों भाग भागकर शादी करने वाले जोड़े के मदद करती है और फिल्म को मिश्रित आलोचना प्रतिक्रिया मिली है लेकिन दोस्तों अभिनेत्री पन्नू को उनके प्रदर्शन के लिए सर्व सर्व सम्मानित से प्रशांस मिली थी इसके बाद दोस्तों उन्होंने उन्नीस सौ उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पी एन एस गाज के रहस्य ढंग से डूबने पर आधारित नौसैनिक युद्ध नाटक और द काजी अटैक में अभिनय किया था फिल्म को तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन सामान्य रहा था पन्नू ने अपनी फिल्म बेबी के एसपिन एफ एफ नाम सबाना में अपनी भूमिका दोहराई और पांडे ने देखा कि बेबी की विशेष एजेंट सबाना खान की भूमिका में पन्नू को सात आठ मिनट के दृश्य को खूब सराहा गया था जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कहानी को एक मोड देने का फैसला किया था इस भूमिका के लिए उन्हें गुंडो और कर्व मग्गा जैसे दोस्तों मिश्रित मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप से प्रशिक्षण लिया गया था लेकिन दोस्तों इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म और पन्नू के प्रदर्शन दोनों को मिसेस प्रतिक्रिया लैडी डेली न्यूज एनालिसिस की सरिता ए तौर ने कहा कि वह एक हर दृश्य की शानदार है जबकि दोस्तों मिंट की उदित झुंझुनू वाला को लगा कि वह शायद ही पसंद करने योग्य है पन्नू की बात की भूमिका है तेलुगु हर कॉमेडी फिल्म आनंदो ब्रह आनंदो ब्रह में एक भूत और भूत की और एक्शन कॉमेडी जुड़वा टू में नायक की प्रेमिका थी उत्तर बाद जो दोस्तों उन्नीस से संतानवे में इसी नाम की फिल्म की रिबूट थी फिल्म डंकी में अभिनेता सुपर स्टार किंग खान और अभिनेत्री पन्नू की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे दोस्तों इन दोनों जोड़ी की फिल्म में काफी अच्छी तरह से निभाई है वही दोस्तों अभिनेता सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान और अभिनेता डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म डंकी जो कि दोस्तों इस फिल्म को दर्शकों देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं फिल्म का सुपर स्टार फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ दोस्तों फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों क्या आप फिल्म डंकी मूवी को दोस्तों हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों चलो वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेलकन प्रेस कर दे फिल्म टंकी चौकी दोस्तों यह एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो एक अवैध अप्रवासन तकनीक और गंधे की उड़ान गधे की उड़ान पर आधारित है अभिजाता जोशी और कानिका ढिल्लो के साथ लिखी पाठकर्ता से राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और संपादित इसका निर्माण रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज और राजकुमार हिरानी फिल्म्स के बैनर तले किया गया है शाहरुख खान और तापसी, पन, तापसी बी की कौशल विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दोस्तों बुमन इमरानी है फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी लेकिन दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने में शुरू हुई थी जो दोस्तों मुंबई जबलपुर कश्मीर, बुड्डा पेस्टर लंदन और जोधाह नियोम में हुआ है और दोस्तों अप्रैल 2023 में पूरी हुई और साउं की रचना प्राथम ने किया था जबकि दोस्तों अमन पंत ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था सीके धारण और मनुष्य नंदन और अमित राय ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संभाली है फिल्म टंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली थी लेकिन दोस्तों फिल्म ने अपने बजट एक से बीस करोड़ यानी दोस्तों यूएस पंद्रह मिलियन के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में चार से बावन करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था जो दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तो संतावन मिलियन से अधिक की कमाई की और जो 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी भारतीय नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी 2023 में दोस्तों यह सुपरहिट साबित हुई और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में सुपर अभिनेता किंग खान ज्ञानी शाहरुख खान हद्याला हद्याल हाडी सिंह ढिल्लो के रूप में शाहरुख खान अपना रोल निभाए हैं, मनु रंधावा के रूप में तपस्वी और सुखी के रूप में बिखी कौसल भी से में जबकि दोस्तों जितेंद्र गीतू और गुल्लाटी के रूप में बोमनी रानी विक्रम कोचर और बलि बलिंदर बगो लख, लखन पाल के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि अनिल ग्रोवर बल्ले का कट के रूप में है और वहीं दोस्तों इस फिल्म में एक से बढ़कर एक स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं दोस्तों बात की जाए फिल्म की विकास यानी दोस्तों 2020 के अंत यह बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशक के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे हिरानी ने 2020 में कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई और यह फिल्म हिरानी के साथ तक खान का पहला सहयोग है खान ने खुलासा किया था कि हिरानी ने उस अपनी खान ने खुलासा किया उन्होंने अपनी फिल्मों मुन्ना भाई एमबीबीएस बी और थ्री इडियट्स 2009 भूमिका की पेशा की थी जिसे दोस्तों उन्होंने अत्याधिक अस्वीकार कर दिया था अगस्त 2021 तक पाठकता पूरी हो गई थी और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी ईरानी ने अभिजात और अभिजात जोशी और कानिका ढिल्लो के साथ फिल्म का सलेखन किया था सिनेमाटोग्राफर अमित राय को पहले चुना गया था लेकिन दोस्तों हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेद के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी उनकी जगह सी के मुरलीधरन को लिया गया था लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और दोस्तों फिल्म थ्री डियर्स के थ्री छह और पी के 2014 के बाद या हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग है रिपोर्टों के अनुसार मनोज नंदन और अमित राय और कुमार पंकज ने फिर भी फिल्म को छायाकार के रूप में काम किया था लेकिन दोस्तों मुकेश कास्टिंग डायरेक्टर थे और तपस्वी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था जो दोस्तों खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग था खान के रेडचलिस इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 हजार का निर्माण किया गया था बिकी कौशल और फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी लेकिन दोस्तों बोमन ईरानी अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म की फिल्म फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मुंबई में शुरू किया गया था दोस्तों मुंबई में शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ था लेकिन दोस्तों फिल्मांकन जुलाई 2022 में बुड्डापस्ट और लंदन में हुआ था दोस्तों एक महीने बाद पूरा हुआ था खान की विशेषता वाला एक बाइक का अनुक्रम और अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था नवंबर दो हज़ार बाईस में सऊदी अरब में बारह दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और जिसमें दोस्तों जद्दा और नेओम एस्थान शामिल थे दिसंबर दो हजार बाईस में जबलपुर मध्य प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम हुआ था जबकि दोस्तों जनवरी दो हजार तेईस में खान की विशेषता वाला अंडर वाटर सिक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था इसी बीच इस दोस्तों खानसो एक अन्य प्रोजेक्ट जानवर पर भी काम कर रहे थे और अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी उसी महीने टीम ने चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई जो दोस्तों श्रीनगर पंपोर और सोनमार्ग सहित जत्थावास, ग्वालियर ग्वालियर और पुलवामा में हुई थी गणेश ने आचार्य द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और गीत अनुक्रमण कश्मीर में फिल्माया गया था फिल्मांकन और अप्रैल 2023 तक तेईस सुन, तक सोनमार्ग कश्मीर को पूरा कर लिया गया था फिल्म की शूटिंग पचहत्तर दिनों में की गई थी जिसमें जिसमें से खान ने दिनों तक शूटिंग की थी कथित तौर पर फिल्म का बजट एक से बीस करोड़ रुपए की है और जिसे दोस्तों जिसमें मार्केटिंग लागत की शामिल थी फिल्म की डोंकी मूवी की साउंड ट्रैक यानी दोस्तों की संगीत प्रातिम द्वारा रचित है सबकी दोस्तों बैकग्राउंड स्कोर पंत द्वारा रचित है पहला एक कल शीर्षक लुट्टू लुटपुट गया 22 22 नवंबर 2023 को जारी किया गया था दूसरा एक कल शीर्षक निकले द कभी हम घर से 1 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था तीसरा एक कल ओ माही शीर्षक एगार दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जबकि दोस्तों चौथा शीर्षक बंदा अठारह दिसंबर 2023 को जारी किया गया था वही दोस्तों पांचवा एकल शीर्षक चलवे वतनम और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था मैं तेरा रास्ता था देखूंगा साउंड ट्रेक एल्बम के साथ बीस दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था फिल्म का टेटिजर डंकी ड्रॉप वन शीर्षक से दो नवंबर दो हज़ार तेईस को खान के अंठानवे जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था कुल मिलाकर दोस्तों आर ड्रप आर ड्रप और एक के बाद एक जारी किए गए थे ड्रॉप टू को 22 जनवरी को लूटपुट गया था और गाने के रूप में रिलीज किया गया था ड्रॉप थ्री को एक दिसंबर दो हज़ार तेईस को निकले में भी कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था जबकि दोस्तों फिल्म का टेलर टंकी ड्रॉप फोर फाइव दिसंबर दो हजार तेईस को रिलीज हुई थी ड्रॉप फाइव को ड्रॉप फाइव को ग्यारह दिसंबर ओ माही गाने के रूप में रिलीज किया गया था वहीं 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था ड्रॉप को को 18 दिसंबर बंदा गाने के रूप में रिलीज किया गया था और डंकी ड्रॉप सेवन को 27 दिसंबर को मै तेरा रस्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी ड्रॉप आठ को चार जनवरी दो को लंद चार जनवरी 2024 को चलवे वतना गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी को नाटक के रूप से इक्कीस दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था लेकिन दोस्तों फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी जिसका खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खान कॉन्फ्रेंस के दौरान खटन किया गया था पेन स्टूडियोज ने पेन मरुधर इंटरटेनमेंट के बैनर बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाट्य अधिकार हासिल कर लिए थे श्री गोकुलम मूवीज ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म फिल्म के नाटकीय वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विपरीत किया गया था पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र में मैसूर क्षेत्र के अधिकार राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विपरीत और पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र अधिकार हासिल कर लिए गए थे एस ने पश्चिम बंगाल के लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए थे विदेशी वितरण अधिकार ग्योसराज फिल्म्स के बेच दिए गए थे और होम स्क्रीन इंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे और जबकि दोस्तों ल, लाइट हाउस स्ट्रॉबी स्ट्रॉबी ट्यूशन ने एसपेन की स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे एक्शन कॉट और इंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की थी फिल्म के अंतरराष्ट्रीय तो गैर और नाटकीय वितरण अधिकार दो सौ तीस करोड़ में बेचे गए थे जबकि घरेलू गैर नाटकीय स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा एक सौ पचपन करोड़ में हासिल कर लिए थे दोस्तों फिल्म की समीक्षा या नियगरी ग्रेटर वेबसाइट टमाटर्स तो पर उन्नीस आलोचकों ने उन्नीस सौ में से तिरपन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नब्बे बाई दस है इंडिया टुडे की सार जोशी ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा कि थ्री इडियट्स या पीके की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता है लेकिन दोस्तों यह अभी भी मनोरंजक करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीपर्ना सेन गुप्ता ने भी पांच में से चार दिए और लिखा कि फिल्म टंकी की कहानी एक भावनात्मक कहानी है दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाले हैं और दिल को छू लेने वाले हैं, लेकिन दोस्तों पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क में हिरानी सॉली में कॉमेडी की भरपूर मात्रा है जो दोस्तों तो इसे एक मनोरंजक यात्रा बनने के लिए व्यग के साथ साथ फिल्म में मजबूत संदेह भी देती है पिंक बिल्ला के एक समीक्षक ने कहा कि एक आधुनिक समय का क्लासिक क्लासिक मन कलासिक मना लेकिन दोस्तों यह एक गति की आलोचक है बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म को पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए और सम्मान किया था लेकिन दोस्तों फिल्म ढंग सही संदेश और भावनाओं की पृष्ठभूमि भूमि के साथ फिल्म निर्माण और राजकुमार हिरानी की छाप रखती है हालांकि दोस्तों फिल्म डंकी या उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है और काफ़ी हद तक खेल बिगड़ता है फिल्म फेयर के देवेश शर्मा फिल्म के समीक्षाओं को पा परे और एक दुनिया के संदेश के प्रसन्न हुआ है और दोस्तों खान और पुन्ना के प्रदर्शन की और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने इसे दिल कहानी जो भावना भावनाओं से भरपूर है करार दिया लेकिन दोस्तों खान एक पन्नों के प्रदर्शन की प्रशांस करने के बावजूद वह उनकी केमिस्ट्री से नाखुश थी एनडीटीवी के शैवल चटर्जी का मानना था कि फिल्म की ताकत खान के एस्टार की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों की विशेषकर विकी कौशल चमकने, दे, चमकने देने की क्षमता में निहित है फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक ने भी मानना था कि कौशल की विशेष उपस्थिति ने सरली सरलीकृत और फिल्म को बढ़ाता था द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने फिल्म टंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना लेकिन दोस्तों इसमें आपको हंसने और मथन करने के लिए पर्याप्त है मिंट के उदय भाटिया ने इसकी तुलना सीमा पर करने के बारे में एक सीरिया एक सीरियाई फिल्म डब्स उन्नीस से नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है लेकिन दोस्तों उस फिल्म के केवल के अवैध अप्रवासन और सरतनिज संकट में हद तक दिलचस्पी रखती है जहां तक दोस्तों वह अनुमति देती है और हिरानी और खान अपने सामने होंगे रेडी के सुकन्या वर्मा ने कहा कि डंकी मौत आकांक्षा से भरपूर है लेकिन दोस्तों इसका मनोर का इसका कमजोर आधार इस लगभग तीन घंटे की लंबी यात्रा को दूर में दूर के रोमांच में बदल देता है जिस पर दोस्तों विश्वास करना कठिन हो जा सकता है इसे दोस्तों खरीदना कठिन हो जा सकता है और एस्क्रल इनकी नंदिनी रामनाथ ने फिल्म को स्पष्ट और हास्यपद कहकर खारिज कर दिया था और दोस्तों कहा कि अजीब तरह के फिल्म को खान के डिंपल आकर्षण और तपस्वी पन्नू विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्साही मोड द्वारा संक्षिप्त रूप से जीवित कर दिया था द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसकी क्रैशिंग कर वोर के रूप में आलोचना की थी और दोस्तों इसे हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म माना था दोस्तों पार्टी जाएं फिल्म डंकी की डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी दोस्तों फिल्म डंकी के पास किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की तैरवी सबसे ज्यादा तेरी भी सबसे ज्यादा अग्रिम बुकिंग थी और अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने इसने शुरुआत में कुल कमाई 28 करोड़ का किया था यानी दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तो 3.5 मिलियन की कमाई की थी इसे दोस्तों दूसरे और तीसरे क्रमशः यानी दोस्तों 20 करोड़ की कमाई की थी और दोस्तों 7 जनवरी 2024 ने 207 जनवरी 2024 तक डंकी की फिल्म ने भारत में दो पचास पॉइंट करोड़ का कलेक्शन कर लिया था वही दोस्तों फिल्म इसके अलावा विदेशी बाजार में एक सौ तिरानवे पॉइंट उनचास करोड़ का कलेक्शन किया है वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने अनुमति कलेक्शन यानि दुनिया भर में चार बावन पॉइंट सतासी करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में डंक की मूवी में सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेता तपस्वी पन्नू विक्की कौशल बोमनी रानी जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ सुपरस्टार स्टार अभिनेत्री तपस्वी पन्नू देखने को नजर आने वाली है वही दोस्तों बात की जाए यह एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने दोस्तों तपस्वी पन्नू के नाम से जाना जाता है एक भारत भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्यारों से हिंदी तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है उन्होंने दोस्तों कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें से दो फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फेयर ओडिटी पुरस्कार शामिल है यह एक संक्षिप्त फिल्म फेयर ओ टी टी पुरस्कार शामिल है दोस्तों एक संक्षिप्त मॉडलिंग कैरियर के बाद पन्नू ने 2010 की तेलुगु फिल्म झुमडी नदम से अभिनय की शुरुआत की थी जो दो की तमिल फिल्म आडू कलम में अभिनय किया था उन्होंने दोस्तों डेविड थोन की कमेडी चश्मे बदर 2013 से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था तेलुगु और तमिल फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाने के बाद पन्नू को हिंदी चासोसी फिल्म हजार 2015 और कोर्टरूम ड्रामा पिंक 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस मिला था जो दोस्तों दोनों महत्वपूर्ण और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी अभिनेत्री पन्नू को हिंदी सिनेमा में वार ड्रामा द गाजी अटैक 2017 सोशल ड्रामा मुल्क 2018 रोमांटिक ड्रामा मनमर्चिया दो थ्रिलर बदला 2019 और एस्टेस ड्रामा मिशन मंगल 2019 में प्रसिद्ध मिली थी बायोपिक सांड की आंख 2019 में 70 साल की 17 साल की सर्प शूटर और प्रकाशी तोमर की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिश अवार्ड जीता था दोस्तों अनुभवी सिन्हा अनुभव सिन्हा के नाटक थप्पड़ 2020 में तलाक से गुजर रहे और गृहिणी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें पुरस्कार जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार तब से उन्होंने स्ट्रीमिंग फिल्मों और हसीन दिल रोबा दो हजार इक्कीस रश्मि राकेट दो हजार इक्कीस और सुपर स्टार अभिनेत्री तपस्वी जो कि दोस्तों तपस्वी पन्नू 2010 में रागेंद्र राव की रोमांटिक रोमांटिक म्यूजिक झुमंडी नंदम से सिनेमाई शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों यूएसए स्थित एक करोड़ पति की बेटी की भूमिका निभाई जो दोस्तों पारंपरिक तेलुगु संगीत और शुद्ध करने के लिए भार भारत आती है उदाहरण वाचित यानी दोस्तों फिल्म की रिलीज से पहले पन्नू को तेलुगु में तीन और अप्रवास मिले थे उनकी अगली फिल्म आडू कलाम 2011 ने 3 2011 में 2011 ने ताने सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों एक एंग्लो इंडियन लड़की की भूमिका निभाई जिसे दोस्तों धनुष द्वारा निभाए गए धनुष द्वारा निभाए गए एक ग्रामीण व्यक्ति से प्यार हो जाता है मुद्देरे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मुर्गे की लड़ाई के इद गirdik घूमती है इसे दोस्तों समीक्षा को द्वारा सराहा गया था और 58वें फिल्मफेयर 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले सफर रही थी दोस्तों उनकी भूमिका के बारे में बोलते हुए सीफी के एक समीक्षक ने कहा कि नदित अभिनेत्री तपस्वी पन्नो एक अवश्यजनक खोज है जो दोस्तों और एक एंग्लो इंडियन लड़की के किरदार में फिट बैठती है या विष्णु विष्णु मंसू के साथ वस्तादु नाराजू 2011 के साथ तेलुगु फिल्म उद्योग में लौटी और उन्होंने उस वर्ष के अंत मम्मोटी और नादिया मोइू के साथ डबल्स 2011 के साथ मलायम सिनेमा में कदम रखा था रेडिफ के परेश सी और पालिचा ने टिप्पणी की थी कि सराहा सारा बन्नो के रूप में तपस्वी पन्नो जिसका दृश्य में प्रवेश भाई बहनों के बीच विवाद का कारण बन जाता है उसके दोस्तों उसके पास करने वाले उसके पास करने के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है अभिनेत्री पन्नू के अपनी अगली रिलीज मिस्टर परफेक्ट 2011 में एक छोटी सी भूमिका निभाई इसमें दोस्तों उन्होंने प्रयास और काजल अग्रवाल के साथ काम किया था दोस्तों उन्होंने रवि तेज और काजल अग्रवाल के साथ वीरा 2011 नामक का एक उच्च बजट वाली फिल्म में अभिनय किया था जी से दोस्तों मध्यम समीक्षा मिली थी उन्होंने अगली बार उनकी दूसरी तमिल फिल्म वधन वेंद्रा में देखा गया था जिसमें दोस्तों श्री जिसमें दोस्तों जिससे समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी उनकी अगली फिल्म कृष्णा वामसी की मोगुड्डू थी जिसमें दोस्तों उन्होंने गोपी चंद के साथ एक प्रमाण एक पारंपरिक तेलुगु लड़की की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए की प्रशंसा हासिल की थी उन्होंने दोस्तों इस समय कई तेलुगु फिल्म में काम किया था जिसमें दोस्तों गुंडेलो और गोदारी दारूबू और अर्थ और दोस्तों सैडो शामिल है 2013 में दोस्तों पन्नू ने डेविड धोन की चश्मे बदूर से हिंदी फिल्म में टीवी किया था उन्होंने दोस्तों सहकलाकार सिद्धार्थ ऋषि कपूर और दिवेदू शर्मा और अली जफर थे उन्नीस सौ इक्यासी की इस नाम की फिल्म का रीमेक है इसे दोस्तों सर्वसम्मानित से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी बाद में दोस्तों उन्हें बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर बम में अजित कुमार नैनरा और आर्य के साथ देखा गया था उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और तामिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने प्राप्त करने के अलावा फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए 2014 एडिशन अवार्ड सबसे उत्साही कलाकार महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एक साल तक बिनी रिलीज रहने के बाद उन्होंने नीरज पांडे की फिल्म बेबी 2015 में अक्षय कुमार के साथ अंडरकवर एजेंट सबाना खान की सहायक भूमिकाओं के लिए जाना गया था बाद में दोस्तों उनकी दो तामिल रिलीज हुई हर्र कॉमेडी मुन्नी थ्री राव राघव लारेस के साथ और ऐश्वर्या राय धानुष की वो राजा वो जिसमें वह एक विशेष भूमिका में थे रनिंग शादी की शूटिंग के दौरान सुजित सरकार ने कोट रूम ड्रामा पिंक के लिए पन्नों से संपर्क किया गया था वह इस विषय को लेकर उत्तरसुक्त और उत्साहित थी क्योंकि दोस्तों इसी विषय पर मुख्यधारा के सिनेमा मुख्यधारा के सिनेमा और अभी तक सीधे तौर पर विचार नहीं किया गया था यह फिल्म सिद्धे यह फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन कीर्ति कीर्ति कु, कुल्हारी और एड्रिया तारियंग भी थे तीन लड़कियों पर आधारित थी जो दोस्तों एक राजनेता के अभितेज के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला लड़ती हैं अभिनेत्री पन्नू की 2017 की पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी रनिंग शादी थी जिसमें दोस्तों उन्होंने एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभाई थी जो दोस्तों भाग भागकर शादी करने वाले जोड़े के मदद करती है और फिल्म को मिश्रित आलोचना प्रतिक्रिया मिली है लेकिन दोस्तों अभिनेत्री पन्नू को उनके प्रदर्शन के लिए सर्व सर्व सम्मानित से प्रशांस मिली थी इसके बाद दोस्तों उन्होंने उन्नीस सौ उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पी एन एस गाजी के रहस्य ढंग से डूबने पर आधारित नौसैनिक युद्ध नाटक अ दगाजी अटैक में अभिनय किया था फिल्म को तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन सम्मान्य रहा था पन्नू ने अपनी फिल्म बेबी के एस एफ एफ नाम सबाना में अपनी भूमिका दोहराई और पांडे ने देखा कि बेबी की विशेष एजेंट सबाना खान की भूमिका में पन्नू को सात तो आठ मिनट के दृश्य को खूब सराहा गया था जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कहानी को एक मोड देने का फैसला किया था इस भूमिका के लिए उन्हें गुंडो और करवा मग्गा जैसे दोस्तों मिश्रित मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप से प्रशिक्षण लिया गया था लेकिन दोस्तों इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म और पन्नू के प्रदर्शन दोनों को मिसेस प्रतिक्रिया लैडी डेली न्यूज एनालिसिस की सरिता ए तौर ने कहा कि वह एक हर दृश्य की शानदार है जबकि दोस्तों मिंट की उद्दीता झुंझुनू वाला को लगा कि वह शायद ही पसंद करने योग्य है पन्नू की बात की भूमिका है तेलुगु हर्र कॉमेडी फिल्म आनंदो ब्रह आनंदो ब्रह में एक भूत और भूत की और एक्शन का कॉमेडी जुड़वा टू में नायक की प्रेमिका थी उत्तर बाद जो दोस्तों उन्हें से संतानवे में इसी नाम की फिल्म की रिबूट थी फिल्म डंकी में अभिनेता सुपर स्टार किंग खान और अभिनेत्री पन्नो की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे दोस्तों इन दोनों जोड़ी की फिल्म में काफी अच्छी तरह से निभाई है वही दोस्तों अभिनेता सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान और अभिनेता डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म डंकी जो कि दोस्तों इस फिल्म को दर्शकों देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सुपर स्टार फिल्म का रिलीज डेट के साथ साथ दोस्तों फिल्म की बॉजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों क्या आप फिल्म डंकी मूवी को दोस्तों हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों चलो वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे फिल्म टंकी चौकी दोस्तों यह एक 2023 भारती की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो एक अवैध अप्रवासन तकनीक और गंधे की उड़ान गधे की उड़ान पर आधारित है अभिजाता तो जोशी और कानिका ढिल्लो के साथ लिखी पाठक से राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और संपादित इसका निर्माण रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज और राजकुमार हिरानी फिल्म्स के बैनर तले किया गया है था में शाहरुख खान और तापसी, पन, तापसी पन्नू बी की कौशल विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दोस्तों बुमन इमरानी है फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी लेकिन दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने में शुरू हुई थी जो दोस्तों मुंबई जबलपुर काश्मीर बुड्डा लंदन और जो नियोम में हुआ है और दोस्तों अप्रैल 2023 में हुई और की रचना प्रतिम ने किया था जबकि दोस्तों अमन पंत ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था सीके धारण और मनुष्य नंदन और अमित राय ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संभाली है फिल्म टंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थी लेकिन दोस्तों फिल्म ने अपने बजट 120 करोड़ यानी दोस्तों यूएस 15 मिलियन के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में चार बावन करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था जो दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तो सत्तावन मिलियन से अधिक की कमाई की और जो 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी भारतीय नौवे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी 2023 में दोस्तों यह सुपरहिट साबित हुई और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में सुपर अभिनेता किंग खान ज्ञानी शाहरुख खान हद्याला हद्याल हार्डी सिंह ढिल्लो के रूप में शाहरुख खान अपना रोल निभाए हैं मनु रंधावा के रूप में तपस्वी पन्नो और सुखी के रूप में बीके कौशल विशेष उपस्थिति में हैं जबकि दोस्तों जितेंद्र गीतू और गुल्लाटी के रूप में बोमन ईरानी विक्रम कोचर और बलि बलindar बागो लख लखनपाल के रूप में दिखाई दिए हैं जबकि अनिल ग्रोवर बल्ले कट के रूप में है और वहीं दोस्तों इस फिल्म में एक से बढ़कर एक स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं दोस्तों बात की जाए फिल्म की विकास यानी दोस्तों 2020 के अंत यह बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशक के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई और यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है खान ने खुलासा किया था कि हिरानी ने उस अपनी खान ने खुलासा किया उन्होंने अपनी फिल्मों मुन्ना भाई एमबीबीएस 2003 और थ्री इडियट्स 2009 भूमिका की पेशा की थी जिसे दोस्तों उन्होंने अत्याधिक अस्वीकार कर दिया था अगस्त 2021 तक पाठकता पूरी हो गई थी और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी ईरानी ने अभिजात कौशल अभिजात जोशी और कानिका ढिल्लू के साथ फिल्म का सलेखन किया था सिनेमाटोग्राफर अमित राय को पहले चुना गया था लेकिन दोस्तों हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेद के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी उनकी जगह सीके मुरलीधरन को लिया गया था लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और दोस्तों फिल्म दो हजार छह और पी के 2014 के बाद या हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग है रिपोर्टों के अनुसार मनोज नंदन और अमित राय और कुमार पंकज ने फिर भी फिल्म को छायाकार के रूप में काम किया था लेकिन दोस्तों मुकेश छापडा कास्टिंग डायरेक्टर थे और तपस्वी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था जो दोस्तों खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग था खान के रेडचेलिस इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 हजार का निर्माण किया गया था बिकी कौशल और फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी लेकिन दोस्तों बोमन ईरानी अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म की फिल्म फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मुंबई में शुरू किया गया था दोस्तों मुंबई में शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ था लेकिन दोस्तों फिल्मांकन जुलाई 2022 में बाईस में और लंदन में हुआ था दोस्तों एक महीने बाद पूरा हुआ था खान की विशेषता वाला एक बाइक का अनुक्रम और अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था नवंबर 2022 में सऊदी अरब में बारह दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और जिसमें दोस्तों जद्दा और नेम एस्थान शामिल थे दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम हुआ था जबकि दोस्तों जनवरी 2023 में खान की विशेषता वाला अंडर वाटर सिक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था इसी बीच इस दोस्तों खानसो एक अन्य प्रोजेक्ट जानवर पर भी काम कर रहे थे और अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी उसी महीने टीम ने चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए काश्मीर चली गई जो दोस्तों श्रीनगर पंपोर और सोनमार्ग सहित जत्थावास, ग्वालियर ग्वालियर और फुलवामा में हुई थी गणेश ने आचार्य द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और गीत अनुक्रमण कश्मीर में फिल्माया गया था फिल्मांकन और अप्रैल 2023 तक तेईस सुन, तक सोनमार्ग कश्मीर को पूरा कर लिया गया था फिल्म की शूटिंग पचहत्तर दिनों में की गई थी जिसमें जिसमें से खान ने साठ दिनों तक शूटिंग की थी कथित तौर पर फिल्म का बजट एक बीस करोड़ रुपए की है और जिससे दोस्तों जिसमें मार्केटिंग लागत की शामिल थी फिल्म की डोंगी मूवी की साउंड ट्रैक यानी दोस्तों की संगीत प्रतिम द्वारा रचित है सबकी दोस्तों बैकग्राउंड स्कोर पंतों द्वारा रचित है पहला एकल शीर्षक बाईस नवम्बर दो हजार तेईस को जारी किया गया था दूसरा कल शीर्षक निकले द कभी हम घर से एक दिसंबर दो हजार तेईस को जारी किया गया था तीसरा कल ओ माही शीर्षक दो ग्यारह दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जबकि दोस्तों चौथा शीर्षक बंदा 18 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था वही दोस्तों पांचवा एकल शीर्षक चल वे वतनम और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था मैं तेरा रास्ता था देखूंगा साउंडट्रैक ट्रैक एल्बम के साथ 20 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था फिल्म का टीजर डंकी ड्रॉप वन शीर्षक से दो नवंबर दो हजार तेईस को खान के अंठानवे जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था कुल मिलाकर दोस्तों आठ ड्रॉप तो, तो, और एक के बाद एक जारी किए गए थे ड्रॉप टू को 22 जनवरी को लूटपुट गया था और गाने के रूप में रिलीज किया गया था ड्रॉप थ्री को एक दिसंबर दो हजार तेईस को निकले में भी कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था जबकि दोस्तों फिल्म का ट्रेलर टंकी ड्रॉप फोर फाइव दिसंबर 2023 को रिलीज हुई थी ड्रॉप फाइव को ड्रॉप फाइव को ग्यारह दिसंबर ओ माही गाने के रूप में रिलीज किया गया था वहीं 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था ड्रॉप सिक्स को 18 दिसंबर को बंदा गाने के रूप में रिलीज किया गया था और डंकी ड्रॉप सेवन को 27 दिसंबर को मै तेरा रस्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी ड्रॉप आठ को 4 जनवरी 2024 को लंच चार जनवरी 2024 को चलवे वतना गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी को नाटक रूप से इक्कीस दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था लेकिन दोस्तों फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी जिसका खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्फ्रेंस के दौरान खंडन किया गया था पेन स्टूडियोज ने पेन मरुधार इंटरटेनमेंट के बैनर तह बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाट्य अधिकार हासिल कर लिए थे श्री गोकुलम ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म फिल्म के नाटक के वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विपरीत किया गया था पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र में मैसूर क्षेत्र के अधिकार राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विपरीत और पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र अधिकार हासिल कर लिए गए थे एस बी एफ ने पश्चिम बंगाल के लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए थे विदेशी वितरण अधिकार यशराज फिल्म के बेच दिए गए थे और होम स्क्रीन इंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे और जबकि दोस्तों ल, लाइट हाउस स्ट्रोवी ट्यूशन ने एसपेन की स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे एक्शन कॉट और इंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की थी फिल्म के अंतरराष्ट्रीय गैर और नाटकीय वितरण अधिकार दो सौ तीस करोड़ में बेचे गए थे जबकि घरेलू गैर नाटकीय स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा एक सौ पचपन करोड़ में हासिल कर लिए थे दोस्तों फिल्म की समीक्षा या निय ग्रेटर वेबसाइट पर रॉ ने उन्नीस सौ नौ में से तिरपन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नब्बे बाई दस है इंडिया टुडे की तुषार जोशी ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा कि थ्री इडियट्स या पीके की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता है लेकिन दोस्तों यह अभी भी मनोरंजक करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री पर्णा सेन गुप्ता ने भी पांच में से साढ़े पांच में से चार स्टार दिए और लिखा कि फिल्म टंकी की कहानी एक भावनात्मक कहानी है दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाले हैं और दिल को छू लेने वाले हैं लेकिन दोस्तों पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क में हिरानी सौली में कॉमेडी की भरपूर मात्रा है जो दोस्तों तो इसे एक मनोरंजक यात्रा बनने के लिए व्यग्ञ के साथ साथ फिल्म में मजबूत संदेह भी देती है पिंकविल्ला के एक समीक्षक ने कहा कि एक आधुनिक समय का क्लासिक मन, मना लेकिन दोस्तों यह एक गति की आलोचक है बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म को पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए और सम्मान किया था लेकिन दोस्तों फिल्म सही संदेश और भावनाओं की पुष्टि भूमि के साथ फिल्म निर्माण और राजकुमार हिरानी की छाप रखती है हालांकि दोस्तों फिल्म डी या उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है और काफी हद तक खेल बिगड़ता है फिल्म फेयर के देवेश शर्मा फिल्म के समीक्षाओं को परे और एक दुनिया के संदेश के प्रसन्न हुआ है और दोस्तों खान और पुन्ना के प्रदर्शन की और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने इसे दिल छू लेने वाली कहानी जो भावना भावनाओं से भरपूर है करार दिया लेकिन दोस्तों खान एक पन्नू के प्रदर्शन की प्रशांस करने के बावजूद वह उनकी केमिस्ट्री से नाखुश थी एनडीटीवी के शैवल चटर्जी का मानना था कि फिल्म की ताकत खान के एस्टार ड्रम की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों की विशेष कर को चमकने, दे, चमकने देने की क्षमता में निहित है फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक ने भी मानना था कि कौशल की, की विशेष उपस्थिति ने सरलीकृत और फिल्म को बढ़ाता था द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने फिल्म डंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना लेकिन दोस्तों इसमें आपको हंसने और मथन करने के लिए पर्याप्त है मिंट लाउज के उदय हाट ने इसकी तुलना सीमा पर करने के बारे में एक सीरिया एक सीरियाई फिल्म डुब्स उन्नीस से नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है लेकिन दोस्तों उस फिल्म के विपरीत ढंग केवल अवैध अप्रवासन और सरतनिज संकट में हद तक दिलचस्पी रखती है जहां तक दोस्तों वह अनुमति देती है और हिरानी और खान अपने सामने होंगे रेडी के सुकन्या वर्मा ने कहा कि डंकी महत्वाकांक्षा से भरपूर है लेकिन दोस्तों इसका मनोर का इसका कमजोर आधार इस लगभग तीन घंटे की लंबी यात्रा को दूर में दूर के रोमांच में बदल देता है जिस पर दोस्तों विश्वास करना कठिन हो जा सकता है इसे दोस्तों खरीदना कठिन हो जा सकता है और एस्क्रल इनकी नंदनी रामनाथ ने फिल्म को स्पष्ट और हास्यपद कहकर खारिज कर दिया था और दोस्तों कहा कि अजीब तरा के फिल्म को खान के डिंपल आकर्षण और तपस्वी पन्नू विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्साही मोड द्वारा संक्षिप्त रूप से जीवित कर दिया था द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने पाँच में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसकी क्रैशिंग कर वोर के रूप में आलोचना की थी और दोस्तों इसे हिरानी की सबसे कमजोर फिल्म माना था दोस्तों बात जाए फिल्म डंकी की डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी दोस्तों फिल्म डंकी के पास किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की तेरहवीं सबसे ज्यादा तेरी भी सबसे ज़्यादा अग्री अग्रिम बुकिंग थी और अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने इसने शुरुआत में कुल कमाई अट्ठाईस करोड़ का किया था यानी दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तो 3.5 मिलियन की कमाई की थी इसे दोस्तों दूसरे और तीसरे क्रमश यानी दोस्तों 20 करोड़ की कमाई की थी और दोस्तों 7 जनवरी दो में 2007 जनवरी 2024 तक ड की फिल्म ने भारत में दो से पचास पॉइंट करोड़ का कलेक्शन कर लिया था वही दोस्तों फिल्म इसके अलावा विदेशी बाजार में एक सौ तिरानवे पॉइंट उनचास करोड़ का कलेक्शन किया है वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने अनुमति कलेक्शन यानि दुनिया भर में चार बावन पॉइंट सतासी करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में डंकी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेता तपस्वी पन्नू बिकी कौशल बोमनी रानी जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ सुपरस्टार स्टार अभिनेत्र तपस्वी पन्नू देखने को नजर आने वाली है वही दोस्तों बात की जाए यह एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने दोस्तों तपस्वी पन्नू के नाम से जाना जाता है एक भारत भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है उन्होंने दोस्तों कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें से दो फिल्मफेयर पुरस्कार और एक फिल्म फेयर ओ पुरस्कार शामिल है यह एक संक्षिप्त फिल्म फेयर ओ पुरस्कार शामिल है दोस्तों एक संक्षिप्त मॉडलिंग कैरियर के, के बाद पन्नू ने 2010 की तेलुगु फिल्म झुमडी नदम से अभिनय की शुरुआत की थी जो 2011 की तमिल फिल्म कलम में अभिनय किया था उन्होंने दोस्तों डेविड थोन की कमेडी चश्मे बदर 2013 से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाने के बाद पन्नू को हिंदी चासोसी फिल्म ब्यावी दो 2015 और कोर्ट रूम ड्रामा पिंक 2016 में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस मिला था जो दोस्तों दोनों महत्वपूर्ण और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी अभिनेत्री पन्नू को हिंदी सिनेमा में वार ड्रामा द गाजी अटैक 2017 सोशल ड्रामा मुल्क 2018 रोमांटिक ड्रामा मनमर्चिया दो थ्रिलर बदला 2019 और एस्पेस ड्रामा मिशन मंगल 2019 में प्रसिद्ध मिली थी बायोपिक सांड की आंख 2019 में 70 साल की 17 साल की पार्प पार, शूटर और प्रकाशी तोमार की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिस अवार्ड जीता था दोस्तों अनुभवी सिन्हा, अनुभव सिन्हा के नाटक थप्पड़ 2020 में तलाक से गुजर रहे और गृहिणी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें पुरस्कार जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार तब से उन्होंने स्ट्रीमिंग फिल्मों और हसीन दिल दो हजार इक्कीस रश्मि राकेट दो हजार इक्कीस और लूपलपेटा दो हजार बाईस में अभिनय किया था वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की सुपर स्टार अभिनेत्री तपस्वी जो कि दोस्तों तपस्वी पन्नू 2010 में रागेंद्र राव की रोमांटिक रोमांटिक म्यूजिक झुम्मंडी नंदम से सिनेमाई शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों यूएसए स्थित एक करोड़ पति की बेटी की भूमिका निभाई जो दोस्तों पारंपरिक तेलुगु संगीत और शुद्ध करने के लिए भारत भारत आती है उदाहरण वाचित यानी दोस्तों फिल्म की रिलीज से पहले पन्नू को तेलुगु में तीन और अप्रवास मिले थे उनकी अगली फिल्म आडू कलाम 2011 ने 3 2011 में 2011 ने ताने सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों एक एंग्लो इंडियन लड़की की भूमिका निभाई जिसे दोस्तों धनुष द्वारा निभाए गए धनुष द्वारा निभाए गए एक ग्रामीण व्यक्ति से प्यार हो जाता है मुद्देरे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मुर्गे की लड़ाई के यह गिरदिक घूमती थी है इसे दोस्तों समीक्षा को द्वारा सराहा गया था और 58वें फिल्म फेयर 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले सफर रही थी दोस्तों उनकी भूमिका के बारे में बोलते हुए सीफी के एक समीक्षक ने कहा कि नदित अभिनेत्री तपस्वी पन्नो एक आवश्यक खोज है जो दोस्तों और एक एंग्लो इंडियन लड़की के किरदार में फिट बैठती है यह विष्णु विष्णु मंसू के साथ वस्तादु नाराजू 2011 के साथ तेलुगु फिल्म उद्योग में लौटी और उन्होंने उस वर्ष के अंत मम्मोटी और नादिया मोइू के साथ डबल्स 2011 के साथ मलायम सिनेमा में कदम रखा था रेडिफ के परेश सी और टिप्पणी की थी कि सराहा सारा बन्नो के रूप में तपस्वी पन्नो जिसका दृश्य में प्रवेश भाई बहनों के बीच विवाद का कारण बन जाता है उसके दोस्तों उसके पास करने वाले उसके पास करने के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है अभिनेत्री पन्नू के अपनी अगली रिलीज मिस्टर परफेक्ट 2011 में एक छोटी सी भूमिका निभाई इसमें दोस्तों उन्होंने प्रयास और काजल अग्रवाल के साथ काम किया था दोस्तों उन्होंने रवि तेज और काजल अग्रवाल के साथ वीरा 2011 नामक का एक उच्च बजट वाली फिल्म में अभिनय किया था जिसे दोस्तों मध्यम मिली थी। उन्होंने अगली बार उनकी दूसरी तमिल फिल्म वधन व में देखा गया था जिसमें दोस्तों श्रीम। जिसमें दोस्तों विशेष समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी उनकी अगली फिल्म कृष्णा वामसी की मोगुडो थी जिसमें दोस्तों उन्होंने गोपीचंद के साथ एक प्रमाण एक पारंपरिक तेलुगु लड़की की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा हासिल की थी उन्होंने दोस्तों इस समय कई तेलुगु फिल्म में काम किया था जिसमें दोस्तों गुंडेलो और गोदारी दारूबू और अर्थ और दोस्तों सैडो शामिल है 2013 तो में दोस्तों पन्नू ने डेविड थोन की चश्मे बद से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था उन्होंने दोस्तों कलाकार सिद्धार्थ ऋषि कपूर और दिवेदु शर्मा और अली जफर थे उन्नीस सौ इक्यासी की इस नाम की फिल्म का रीमेक है इसे दोस्तों सर्वसम्मानित से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल बाद में में दोस्तों उन्हें बड़े बजट की एक्शन बम अजित कुमार नैंतरा और आर्य के साथ देखा गया था उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और तामिल के लिए फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने करने के अलावा फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए 2014 एडिशन अवार्ड सबसे उत्साही कलाकार महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एक साल तक बिनी रिलीज रहने के बाद उन्होंने नीरज पांडे की फिल्म बेबी 2015 में अक्षय कुमार के साथ अंडरकवर एजेंट सबाना खान की सहायक भूमिकाओं के लिए जाना गया था बाद में दोस्तों उनकी दो तामिल रिलीज हुई हर कॉमेडी मुन्नी थ्री राव राघव लारेस के साथ और ऐश्वर्या राय धानुष की वो राजा वो जिसमें वह एक विशेष भूमिका में थे रनिंग शादी की शूटिंग के दौरान सुजित सरकार ने कोट रूम ड्रामा पिंक के लिए पन्नों से संपर्क किया गया था वह इस विषय को लेकर उत्तु और उत्साहित थी क्योंकि दोस्तों इसी विषय पर मुख्यधारा के सिनेमा मुख्यधारा के सिनेमा और अभी तक सीधे तौर पर विचार नहीं किया गया था यह फिल्म सीधे यह फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन कीर्ति कु, कुल्हारी और एड्रिया तार्यंग भी थे तीन लड़कियों पर आधारित थी जो दोस्तों एक राज्य के अवितेश के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला लड़ती हैं अभिनेत्री पन्नू की 2017 की पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी रनिंग शादी थी जिसमें दोस्तों उन्होंने एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभाई थी जो दोस्तों भाग भागकर शादी करने वाले जोड़े के मदद करती है और फिल्म को मिश्र आलोचना प्रतिक्रिया मिली है लेकिन दोस्तों अभिनेत्री पन्नू को उनके प्रदर्शन के लिए सर्व सर्व सम्मानित से प्रशांस मिली थी इसके बाद दोस्तों उन्होंने उन्नीस सौ उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पी एन एस गाजी के रहस्य ढंग से डूबने पर आधारित नौसैनिक युद्ध नाटक और द काजी अटैक में अभिनय किया था फिल्म को तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन सामान्य रहा था पन्नू ने अपनी फिल्म बेबी के एसपिन एफ एफ नाम सबाना में अपनी भूमिका दोहराई और पांडे ने देखा कि बेबी की विशेष एजेंट सबाना खान की भूमिका में पन्नू को सात आठ मिनट के दृश्य को खूब सराहा गया था जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कहानी को एक मोड देने का फैसला किया था इस भूमिका के लिए उन्हें गुंडो और करवा मग्गा जैसे दोस्तों मिश्रित मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप से प्रशिक्षण लिया गया था लेकिन दोस्तों इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म और पन्नू के प्रदर्शन दोनों को मिसेस प्रतिक्रिया लेडी डेली न्यूज एनालिसिस की सरिता के तौर ने कहा कि वह एक हर दृश्य की शानदार है जबकि दोस्तों मिंट की उदित झुंझुनू वाला को लगा कि वह शायद ही पसंद करने योग्य है पन्नू की बात की भूमिका है तेलुगु हर्र कॉमेडी फिल्म आनंदो ब्रह अनंदो ब्रह में एक भूत और भूत की और एक्शन कॉमेडी जुड़वा टू में नायक की प्रेमिका थी उत्तर बाद जो दोस्तों उन्हें से संतानवे में इसी नाम की फिल्म की रिबूट थी फिल्म डंकी में अभिनेता सुपर स्टार किंग खान और अभिनेत्री पन्नो की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे दोस्तों इन दोनों जोड़ी की फिल्म में काफ़ी अच्छी तरह से निभाई है वही दोस्तों अभिनेता सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान और अभिनेता डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म डंकी जो कि दोस्तों इस फिल्म को दर्शकों देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आज की इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों क्या आप फिल्म डंकी मूवी को दोस्तों हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों चलो वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेलगन प्रेस कर दे फिल्म डंकी जो की दोस्तों यह एक दो की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो एक अवैध अप्रवासन तकनीक और गंधे की उड़ान गधे की उड़ान पर आधारित है अभिजात तो जोशी और कानिका ढिल्लो के साथ लिखी पाठक से राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और संपादित इसका निर्माण रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज और राजकुमार हिरानी फिल्म्स के बैनर तले किया गया है शाहरुख खान और तापसी पन्नू तापसी पन्नू बी की कौशल विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दोस्तों बमनिब्रानी है फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी लेकिन दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने में शुरू हुई थी जो दोस्तों मुंबई जबलपुर कश्मीर बुड्ढा पेस्टर लंदन और जुद्दाह नियम में हुआ है और दोस्तों अप्रैल 2023 में पूरी हुई और साउंडट्रैक की रचना प्रतिम ने किया था जबकि दोस्तों अमन पंत ने बैकग्राउंड एस्कोर तैयार किया था सीके धारण और मनुष्य नंदन और अमित राय ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संभाली है फिल्म टंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्र समीक्षाएं मिली थी लेकिन दोस्तों फिल्म ने अपने बजट एक से बीस करोड़ यानी दोस्तों यूएस पंद्रह मिलियन के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में चार से बावन करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था जो दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तो संतावन मिलियन से अधिक की कमाई की और जो 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी भारतीय नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी 2023 में दोस्तों यह सुपरहिट साबित हुई और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में सुपर अभिनेता किंग खान ज्ञानी शाहरुख खान हद्याला हद्याल सिंह ढिल्लो के रूप में शाहरुख खान अपना रोल निभाए हैं। रंधावा के रूप में तपस्वी पन्नो और सुखी के रूप में बिकी कौशल विशेष उपस्थिति में हैं। जबकि दोस्तों जितेंद्र गीतू और गुल्लाटी के रूप में बोमनी रानी विक्रम कोचर और बलि बागो लख लखन पाल के रूप में दिखाई दिए हैं जबकि अनिल ग्रोवर बल्ले कक्कड़ के रूप में हैं और वही दोस्तों इस फिल्म में एक से बढ़कर एक स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं। दोस्तों बात की जाए फिल्म की विकास यानी दोस्तों 2020 के अंत यह बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशक के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे हिरानी ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई और यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है खान ने खुलासा किया था कि हिरानी ने उस अपनी खान ने खुलासा किया उन्होंने अपनी फिल्मों मुन्ना भाई एमबीबीएस 2003 और थ्री इडियट्स 2009 भूमिका की पेशा की थी जिसे दोस्तों उन्होंने अत्याधिक अस्वीकार कर दिया था अगस्त 2021 तक पाठकता पूरी हो गई थी और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी ईरानी ने अभिजात कौशल अभिजात जोशी और कानिका ढिल्लू के साथ फिल्म का सलेखन किया था सिनेमाटोग्राफर अमित राय को पहले चुना गया था लेकिन दोस्तों हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेद के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी उनकी जगह धारण को लिया गया था लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और दोस्तों फिल्म इडियट्स और पी के दो के बाद यह हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग है रिपोर्टों के अनुसार मनोज नंदन और अमित राय और कुमार पंकज ने फिर भी फिल्म को छायाकार के रूप में काम किया था लेकिन दोस्तों मुकेश कास्टिंग डायरेक्टर थे और तपस्वी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था जो दोस्तों खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग था खान के रेडचलिस इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 हजार निर्माण किया गया था बिकी कौशल और फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी लेकिन दोस्तों बोमन ईरानी अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म की फिल्म फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मुंबई में शुरू किया गया था दोस्तों मुंबई में शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ था और अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ था लेकिन दोस्तों फिल्मांकन जुलाई 2022 में बुड्डापोस्ट और लंदन में हुआ था दोस्तों एक महीने बाद पूरा हुआ था खान की विशेषता वाला एक बाइक का अनुक्रम और अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था नवम्बर 2022 में सऊदी अरब में बारह दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और जिसमें दोस्तों जद्दा और नेम स्थान शामिल थे दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम हुआ था जबकि दोस्तों जनवरी 2023 में खान की वाला अंडर वाटर सिक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था इसी बीच इस दोस्तों खान सो एक अन्य प्रोजेक्ट जानवर पर भी काम कर रहे थे और अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी उसी महीने टीम ने चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए कश्मीर चली गई जो दोस्तों श्रीनगर पंपोर और मार्ग सहित जत्थावास ग्वालियर ग्वालियर और फुलवामा में हुई थी गणेश ने आचार्य द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और गीत अनुक्रमण कश्मीर में फिल्माया गया था फिल्मांकन और अप्रैल 2023 तक तेईस सुन, तक सोनमार्ग कश्मीर को पूरा कर लिया गया था फिल्म की शूटिंग पचहत्तर दिनों में की गई थी जिसमें जिसमें से खान ने साठ दिनों तक शूटिंग की थी कथित तौर पर फिल्म का बजट एक से बीस करोड़ रुपए की है और जिससे दोस्तों जिसमें मार्केटिंग लागत की शामिल थी फिल्म की डोंगी मूवी की साउंड ट्रैक यानी दोस्तों की संगीत द्वारा रोचित है सबकी दोस्तों बैकग्राउंड स्कोर द्वारा है पहला बाईस बाईस नवम्बर दो हजार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एक कल शीर्षक निकले द कवि हम घर से एक दिसंबर 2023 को जारी किया गया था तीसरा एकल ओ माही शीर्षक दो दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जबकि दोस्तों चौथा शीर्षक बंदा अठारह दिसंबर 2023 को जारी किया गया था वही दोस्तों पांचवा एकल शीर्षक चल वतनम और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था मैं तेरा रास्ता था देखूंगा साउंड एल्बम के साथ बीस 20 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था फिल्म का टीजर डंकी ड्रॉप वन शीर्षक से दो नवंबर दो हज़ार तेईस को खान के अंठानवे जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था कुल मिलाकर दोस्तों आर ड्रॉप आर और एक के बाद एक जारी किए गए थे ड्रॉप टू को 22 जनवरी को लूटपुट गया था और गाने के रूप में रिलीज किया गया था ड्रॉप थ्री को एक दिसंबर दो हजार तेईस को निकले में भी कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था जबकि दोस्तों फिल्म का टेलर टंकी ड्रॉप फोर फाइव दिसंबर दो हजार तेईस को रिलीज हुई थी ड्रॉप फाइव को ड्रॉप फाइव को ग्यारह दिसंबर ओ माही गाने के रूप में रिलीज किया गया था वहीं 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था ड्रॉप को 18 दिसंबर को बंदा गाने के रूप में रिलीज किया गया था और डंकी ड्रॉप सेवन को 27 दिसंबर को मैं तेरा रास्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी ड्रॉप आठ को चार जनवरी दो को लंद चार जनवरी 2024 को चलवे वतना गाने के रूप में रिलीज किया गया था दंकी को नाटक के रूप से इक्कीस दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था लेकिन दोस्तों फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी जिस काम खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खान कॉन्फ्रेंस के दौरान खटन किया गया था पेन स्टूडियोज ने पेन मरुधर इंटरटेनमेंट के बैनर तय बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए थे श्री गोकुलम मूवीज़ ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म फिल्म के नाटकीय वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे राश्री पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विपरीत किया गया था पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर मैसूर क्षेत्र क्षेत्र में के अधिकार राश्री, राश्री पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विपरीत और पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र अधिकार हासिल कर लिए गए थे एस ने पश्चिम बंगाल के लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए थे विदेशी वितरण अधिकार ग्योसराज फिल्म्स के बेच दिए गए थे और होम स्क्रीन इंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे और जबकि दोस्तों लाइट हाउस स्ट्रॉबी स्ट्रॉबी ट्यूशन ने एसपेन की स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे एक्शन कॉट और इंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की थी फिल्म के अंतरराष्ट्रीय गैर और नाटक के वितरण अधिकार दो सौ तीस करोड़ में बेचे गए थे जबकि घरेलू गैर नाटक के स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा एक सौ पचपन करोड़ में हासिल कर लिए थे दोस्तों फिल्म की समीक्षा यानी एग्री ग्रेटर वेबसाइट पर को ने उन्नीस सौ नौ में से तिरपन परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट नब्बे बाई दस है इंडिया टुडे की तुषार जोशी ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा कि थ्री इडियट्स या पीके की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता है लेकिन दोस्तों यह अभी भी मनोरंजक करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री पर्णा सेन गुप्ता ने भी पाँच में से साढ़े पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा कि फिल्म डंकी की कहानी एक भावनात्मक कहानी है दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाले हैं और दिल को छू लेने वाले हैं लेकिन दोस्तों पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क में हिरानी शौली में कॉमेडी की भरपूर मात्रा है जो दोस्तों तो इसे एक मनोरंजक यात्रा बनने के लिए व्यग्ञ के साथ साथ फिल्म में मजबूत संदेह भी देती है पिंक पिंकविल्ला के एक समीक्षक ने कहा कि एक आधुनिक समय का क्लासिक मन क्लासिक मना लेकिन दोस्तों यह एक गति की आलोचक है बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म को पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए और सम्मान किया था लेकिन दोस्तों फिल्म ढंग सही संदेश और भावनाओं की पुष्टि भूमि की साथ फिल्म निर्माण और राजकुमार हिरानी की छाप रखती है हालांकि दोस्तों फिल्म डंकी या उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है और काफ़ी हद तक खेल बिगड़ता है फिल्मफेयर के देवेश शर्मा फिल्म के समीक्षाओं को पा परे और एक दुनिया के संदेश के प्रदर्शन हुआ है और दोस्तों खान और पुन्ना के प्रदर्शन प्रशांस की और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने इसे दिल कहानी जो भावना, भावनाओं से भरपूर है करार दिया लेकिन दोस्तों खान एक पन्नों के प्रदर्शन की प्रशांस करने के बावजूद वह उनकी कमिस्ट्री से नाखुश थी एनडीटीवी के शैवल चटर्जी का मानना था कि फिल्म की ताकत तो खान के एस्टार ड्रम की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों की विशेषकर विकी कौशल को चमकने दे, चमकने देने की क्षमता में निहित है फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक ने भी मानना था कि कौशल की विशेष उपस्थिति ने सरली सरलीकृत और फिल्म को बढ़ाता था द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने फिल्म टंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना लेकिन दोस्तों इसमें आपको हंसने और मथन करने के लिए पर्याप्त है मिंट के उदय भाटिया ने इसकी तुलना सीमा पर करने के बारे में एक सीरिया एक सीरियाई फिल्म डब्स उन्नीस सौ तिहत्तर से, तिहत से नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है लेकिन दोस्तों उस फिल्म के तो केवल के अवैध अप्रवासन और संकट में हद तक तक रखती है जहां दोस्तों वह अनुमति देती है और हिरानी और खान अपने सामने होंगे रेडी डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने कहा कि मौत महत्वाकांक्षा से भरपूर है लेकिन दोस्तों इसका मनोर इसका कमजोर आधार इस लगभग तीन घंटे की लंबी यात्रा को दूर में, दूर के रोमांच में बदल देता है जिस पर दोस्तों विश्वास करना कठिन हो जा सकता है इसे दोस्तों खरीदना कठिन हो जा सकता है और स्क्रल इनकी नंदनी रामनाथ ने फिल्म को स्पष्ट और हास्यपद कहकर खारिज कर दिया था और दोस्तों कहा कि अजीब तरह के फिल्म को खान के डिम्पल आकर्षण और तपस्वी पन्नू विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्त मोड द्वारा संक्षिप्त रूप से जीवित कर दिया था द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने पाँच में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसकी क्रैशिंग वोर के रूप में आलोचना की थी और दोस्तों इसे हिरानी की सबसे कमज़ोर फिल्म माना था दोस्तों बात की जाए की डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी दोस्तों फिल्म डंकी के पास किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की तेरहवीं सबसे ज्यादा तेरहवीं सबसे ज़्यादा अग्रिम बुकिंग थी और अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने इसने शुरुआत में कुल कमाई अट्ठाईस करोड़ का किया था यानी दोस्तों यूएस ने कन्वर्ट की जाए तक 3.5 मिलियन की कमाई की थी इसे दोस्तों दूसरे और तीसरे क्रम यानी दोस्तों 20 करोड़ की कमाई की थी और दोस्तों 7 जनवरी 2024 ने 2007 जनवरी 2024 तक डंकी फिल्म ने भारत में 250.55 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था वहीं दोस्तों फिल्म इसके अलावा विदेशी बाजार में एक तिरानवे पॉइंट उनचास करोड़ का कलेक्शन किया है वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने अनुमति कलेक्शन यानि दुनिया भर में चार से बावन पॉइंट सतासी करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में डंकी मूवी में सुपर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेता तपस्वी पन्नू कौशल बोमनी रानी जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ सुपरस्टार स्टार अभिनेत्री तपस्वी पन्नु देखने को नजर आने वाली है वही दोस्तों बात की जाए यह एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने दोस्तों तपस्वी पन्नू के नाम से जाना जाता है यह एक भारत तो भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है उन्होंने दोस्तों कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें से दो फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्मेयर ओ पुरस्कार शामिल है संक्षिप्त ओ फेयर टी पुरस्कार शामिल है दोस्तों एक संक्षिप्त मॉडलिंग कैरियर के बाद पन्नू ने 2010 की तेलुगु फिल्म झुमड़ी नदम से अभिनय की शुरुआत की थी जो 2011 की तमिल फिल्म कलम में अभिनय किया था उन्होंने दोस्तों डेविड की कॉमेडी चश्मे बदर दो हजार से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाने के बाद पन्नू को हिंदी चासोसी फिल्म बेवी 2015 और कोट कोटरोम ड्रामा पिंक 2016 हजार में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस मिला था जो दोस्तों दोनों महत्वपूर्ण और व्यवसायिक रूप से सफल रही थी अभिनेत्री पन्नू को हिंदी सिनेमा में वार ड्रामा द गाजी अटैक 2017 सोशल ड्रामा मुल्क 2018 रोमांटिक ड्रामा मन मर्चिया 2018 थ्रिलर बदला 2019 और एस्पेस ड्रामा मिशन मंगल 2019 में प्रसिद्ध मिली थी की 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 आंख 2019 में 17 साल की, साल की पार, सुडर और प्रकाशी तोमार की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था दोस्तों अनुभवी सिन्हा अनुभव सिन्हा के नाटक थप्पड़ 2020 में तलाक से गुजर रही और गृहिणी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें पुरस्कार जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार तब से उन्होंने स्ट्रीमिंग फिल्मों और हसीन दिल रोबा 2021, हज़ार इक्कीस रश्मि राकेट 2021 और लूप लपेटा 2022 में अभिनय किया था वही दोस्तों बात की जाए फिल्म की सुपर स्टार अभिनेत्री तपस्वी जो कि तपस्वी पन्नू 2010 में रागेंद्र राव की रोमांटिक रोमांटिक म्यूजिक झुमंडी नंदम से सिनेमाई शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों यूएसए स्थित एक करोड़पति की बेटी की भूमिका निभाई दोस्तों पारंपरिक तेलुगु संगीत और शुद्ध करने के लिए भार, भारत आती है। उदाहरण यानी दोस्तों फिल्म की रिलीज से पहले पन्नू को तेलुगु में तीन और अप्रवास मिले थे उनकी अगली फिल्म आडू कलाम 2011 ने तीन 2011 में सौदर्यन तो ने तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों एक एंग्लो इंडियन लड़की की भूमिका निभाई जिसे दोस्तों धनुष द्वारा गए धनुष द्वारा निभाए गए एक ग्रामीण व्यक्ति से प्यार हो जाता है मुद्दे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मुर्गे की लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है इसे दोस्तों समीक्षा को द्वारा सराहा गया था और 58वें फिल्मफेयर 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले सफर रही थी दोस्तों उनकी भूमिका के बारे में बोलते हुए सीफी के एक समीक्षक ने कहा कि नदित अभिनेत्री तपस्वी पन्नू एक आवश्यक खोज है जो दोस्तों और एक एंग्लो इंडियन लड़की के किरदार में फिट बैठती है यह विष्णु विष्णु मंसू के साथ वस्तादू नाराजू 2011 के साथ तेलुगु फिल्म उद्योग में लौटी और उन्होंने उस वर्ष के अंत मम्मोटी और नादिया मोइू के साथ डबल्स 2011 के साथ मलायम सिनेमा में कदम रखा था रेडिफ के परेश सी और पालिचा ने टिप्पणी की थी कि सराहा सारा बन्नों के रूप में तपस्वी पन्नो जिसका दृश्य में प्रवेश भाई बहनों के बीच विवाद का कारण बन जाता है उसके दोस्तों उसके पास करने वाले उसके पास करने के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है अभिनेत्री पन्नू के अपनी अगली रिलीज मिस्टर परफेक्ट 2011 में एक छोटी सी भूमिका निभाई इसमें दोस्तों उन्होंने प्रयास और काजल अग्रवाल के साथ काम किया था दोस्तों उन्होंने रवि तेज और काजल अग्रवाल के साथ वीरा 2011 नामक का एक उच्च बजट वाली फिल्म में अभिनय किया था जिसे दोस्तों मध्यम समीक्षा मिली थी उन्होंने अगली बार उनकी दूसरी तमिल फिल्म वधन वेन्द्र में देखा गया था जिसमें दोस्तों श्री जिसमें दोस्तों विशेष समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी उनकी अगली फिल्म कृष्णा वामसी की मोगुड्डू थी जिसमें दोस्तों उन्होंने गोपी चंद के साथ एक प्रमाण एक पारंपरिक तेलुगु लड़की की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए की प्रशंसा हासिल की थी उन्होंने दोस्तों इस समय कई तेलुगु फिल्म में काम किया था जिसमें दोस्तों गुंडेलो और गोदारी दारूबू और अर्थ और दोस्तों सैडो शामिल है 2013 तो में दोस्तों पन्नू ने डेविड धोन की चश्मे बदर से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था उन्होंने दोस्तों सहकलाकार सिद्धार्थ ऋषि कपूर और दिवेदु शर्मा और अली जफर थे उन्नीस सौ इक्यासी की इस नाम की फिल्म का रीमेक है इसे दोस्तों सर्वसम्मानित से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल एक्शन थ्रिलर में, में अजित कुमार नैंतरा और आर्य के साथ देखा गया था उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और तमिल के लिए फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने प्राप्त करने के अलावा फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए 2014 एडिशन अवार्ड सबसे उत्साही कलाकार महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एक साल तक बिनी रिलीज रहने के बाद उन्होंने नीरज पांडे की फिल्म बेबी 2015 में अक्षय कुमार के साथ अंडरकवर एजेंट सबाना खान की सहायक भूमिकाओं के लिए जाना गया था। बाद में दोस्तों उनकी दो तामे रिलीज हुई हर्रा कॉमेडी मुन्नी थ्री रावो राघव लारेस के साथ और ऐश्वर्या राय धानुष की वो राजा वो जिसमें वह एक विशेष भूमिका में थे। रनिंग शादी की शूटिंग के दौरान सुजित सरकार ने कोटर रूम ड्रामा पिंक के लिए पन्नों से संपर्क किया गया था वह इस विषय को लेकर और थी क्योंकि दोस्तों इसी विषय पर मुख्यधारा के सिनेमा मुख्यधारा के सिनेमा और अभी तक सीधे तौर पर विचार नहीं किया गया था यह फिल्म सीधे यह फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन कीर्ति कु, कुल्हारी और एड्रिया तारंग भी थे तीन लड़कियों पर आधारित थी जो दोस्तों एक राजनेता के अवितेज के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला लड़ती हैं। अभिनेत्री पन्नू की 2017 की पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी रनिंग शादी थी जिसमें दोस्तों उन्होंने एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभाई थी जो दोस्तों भाग भागकर शादी करने वाले जोड़े के मदद करती है और फिल्म को मिश्रित आलोचना प्रतिक्रिया मिली है लेकिन दोस्तों अभिनेत्री पन्नू को उनके प्रदर्शन के लिए सर्व सर्व सम्मानित से प्रशांस मिली थी इसके बाद दोस्तों उन्होंने उन्नीस सौ उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पी एन एस गाजी के रहस्य ढंग से डूबने पर आधारित नौसैनिक युद्ध नाटक और द गाजी अटैक में अभिनय किया था फिल्म को तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन सम्मान्य रहा था पन्नू ने अपनी फिल्म बेबी के स्पिन एफएफ नाम सबाना में अपनी भूमिका दोहराई और पांडे ने देखा कि बेबी की विशेष एजेंट सबाना खान की भूमिका में पन्नू को सात आठ मिनट के दृश्य को खूब सराहा गया था जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कहानी को एक मोड देने का फैसला किया था इस भूमिका के लिए उन्हें गुंडो और करव मग्गा जैसे दोस्तों मिश्रित मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप से प्रशिक्षण लिया गया था लेकिन दोस्तों इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म और पन्नू के प्रदर्शन दोनों को मिश्रित प्रतिक्रिया लैडी डेली न्यूज एनालिसिस की सरिता के तौर ने कहा कि वह एक हर दृश्य की शानदार है जबकि दोस्तों मिंट की उद्दीता झुनझुनू वाला को लगा कि वह शायद ही पसंद करने योग्य है पन्नू की बात की भूमिका अवैध अप्रवासन तकनीक और गंधे की उड़ान गधे की उड़ान पर आधारित है अभिजाता तो जोशी और कानिका ढिल्लो के साथ लिखी पाठक से राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और संपादित इसका निर्माण रेड चैलेंज इंटरटेनमेंट जियो स्टूडियोज और राजकुमार हिरानी फिल्म्स के बैनर तले किया गया है शाहरुख खान और बी की कौशल विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दोस्तों बुमन निमरानी है फिल्म की घोषणा अप्रैल 2022 में आधिकारिक शीर्षक के साथ की गई थी लेकिन दोस्तों फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने में शुरू हुई थी जो दोस्तों मुंबई जबलपुर कश्मीर बुड्डा पेस्ट लंदन और जुद्दाह न्योम में हुआ है और दोस्तों अप्रैल 2023 में पूरी हुई और साउंडट्रैक की रचना प्रतिम ने किया था जबकि दोस्तों अमन पंत ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था सीके धारण और मनुष्य नंदन और अमित राय ने फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संभाली है फिल्म टंकी को 21 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली थीं लेकिन दोस्तों फिल्म ने अपने बजट 120 करोड़ यानी दोस्तों यूएस 15 मिलियन के उत्पादन बजट और विपणन बजट के मुकाबले दुनिया भर में चार से बावन करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था जो दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तो संतावन मिलियन से अधिक की कमाई की और जो 2023 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी भारतीय नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी 2023 में दोस्तों यह सुपरहिट साबित हुई और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में सुपर अभिनेता किंग खान ज्ञानी शाहरुख खान हद्याला हद्याल हाडी सिंह ढिल्लो के रूप में शाहरुख खान अपना रोल निभाए हैं, मनु रंधावा के रूप में तपस्वी और सुखी के रूप में बिकी कौसल भी से में हैं, जबकि दोस्तों जितेंद्र गीतू और गुल्लाटी के रूप में बोमनी रानी विक्रम कोचर और बलि बलिंदर बगो लख लखनपाल के रूप में दिखाई दिए हैं, जबकि अनिल ग्रोवर बल्ले का कट के रूप में है और वहीं दोस्तों इस फिल्म में एक से बढ़कर एक स्टार एक से बढ़कर एक रोल लेकर इस फिल्म में हाजिर हुए हैं दोस्तों बात की जाए फिल्म की विकास यानी दोस्तों 2020 के अंत यह बताया गया था कि राजकुमार हिरानी अपने अगले निर्देशक के लिए शाहरुख खान के साथ सहयोग करेंगे हिरानी ने 2020 में कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान खान को कहानी सुनाई और यह फिल्म हिरानी के साथ खान का पहला सहयोग है खान ने खुलासा किया था कि हिरानी ने उस अपनी खान ने खुलासा किया उन्होंने अपनी फिल्मों मुन्ना भाई एम बी और थ्री इडियट्स 2009 भूमिका की पेशा की थी जिसे दोस्तों उन्होंने अत्याधिक अस्वीकार कर दिया था अगस्त 2021 तक पाठकदा पूरी हो गई थी और अप्रैल 2022 में फिल्म की घोषणा की गई थी ईरानी ने अभिजात कौशल अभिजात जोशी और कानिका ढिल्लू के साथ फिल्म का सलेखन किया था सिनेमाटोग्राफर अमित राय को पहले चुना गया था लेकिन दोस्तों हिरानी के साथ रचनात्मक मतभेद के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी उनकी जगह सिक्के मुरलीधरन को लिया गया था लगे रहो मुन्ना भाई 2006 और दोस्तों फिल्म के थ्री छह और पी के 2014 के बाद या हिरानी के साथ उनका चौथा सहयोग है रिपोर्टों के अनुसार मनोज नंदन और अमित राय और कुमार पंकज ने फिर भी फिल्म को छायाकार के रूप में काम किया था लेकिन दोस्तों मुकेश छापड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे और तपस्वी पन्नू को जनवरी 2021 में मुख्य महिला के रूप में चुना गया था जो दोस्तों खान के साथ उनका पहला ऑन स्क्रीन सहयोग था खान के रेडचेलिस इंटरटेनमेंट ने उनकी फिल्म बदला 2019 हजार का निर्माण किया गया था बिकी कौशल और फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी लेकिन दोस्तों बोमन ईरानी अक्टूबर दो हजार बाईस में कलाकारों में शामिल हुए थे फिल्म की फिल्म फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में मुंबई में शुरू किया गया था दोस्तों मुंबई में शेड्यूल जून 2022 में समाप्त हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल जुलाई 2022 में शुरू हुआ था लेकिन दोस्तों फिल्मांकन जुलाई 2022 में बाईस में और लंदन में हुआ था दोस्तों एक महीने बाद पूरा हुआ था खान की विशेषता वाला एक बाइक का अनुक्रम और अक्टूबर 2022 में मुंबई में फिल्माया गया था नवंबर 2022 में सऊदी अरब में बारह दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और जिसमें दोस्तों जद्दा और नेम एस्थान शामिल थे दिसंबर 2022 में जबलपुर मध्य प्रदेश में तीन दिवसीय कार्यक्रम हुआ था जबकि दोस्तों जनवरी 2023 में खान की विशेषता वाला अंडर वाटर सिक्वेंस मुंबई में फिल्माया गया था इसी बीच इस दोस्तों खानसो एक अन्य प्रोजेक्ट जानवर पर भी काम कर रहे थे और अप्रैल 2023 में अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी उसी महीने टीम ने चार दिवसीय कार्यक्रम के लिए काश्मीर चली गई जो दोस्तों श्रीनगर पंपोर और सोनमार्ग सहित जत्थावास, ग्वालियर ग्वालियर और पुलवामा में हुई थी गणेश ने आचार्य द्वारा कोरियोग्राफर किए गए और गीत अनुक्रमण कश्मीर में फिल्माया गया था फिल्मांकन और अप्रैल 2023 तक सोन तक सोनमार्ग कश्मीर को पूरा कर लिया गया था फिल्म की शूटिंग पचहत्तर दिनों में की गई थी जिसमें जिसमें से खान ने दिनों तक शूटिंग की थी कथित तौर पर फिल्म का बजट एक सौ बीस करोड़ रुपए की है और जिससे दोस्तों जिसमें मार्केटिंग लागत की शामिल थी फिल्म की डोंगी मूवी की साउंड ट्रैक यानी दोस्तों की संगीत द्वारा रचित है सबकी दोस्तों बैकग्राउंड स्कोर पंता द्वारा रचित है पहला एक कल बाईस नवम्बर दो हजार तेईस को जारी किया गया था दूसरा एक कल शीर्षक निकले द कभी हम घर से एक दिसंबर दो हजार तेईस को जारी किया गया था तीसरा कल ओ माही शीर्षक एगार दिसंबर 2023 को जारी किया गया था जबकि दोस्तों चौथा शीर्षक बंदा अठारह दिसंबर 2023 को जारी किया गया था वही दोस्तों पांचवा एकल शीर्षक चल वतन और छठा एकल शीर्षक मैं तेरा रास्ता था मैं तेरा रास्ता था देखूंगा साउंड ट्रेक एल्बम के साथ बीस 20 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था दु फिल्म का टेटिजर ड्रॉप वन शीर्षक से दो नवंबर दो हज़ार तेईस को खान के अंठानवे जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था कुल मिलाकर दोस्तों आर ड्रॉप्स और एक के बाद एक जारी किए गए थे ड्रॉप टू को 22 जनवरी को लूटपुट गया था और गाने के रूप में रिलीज किया गया था ड्रॉप थ्री को एक दिसंबर दो हजार तेईस को निकले में भी कभी हम घर से गाने के रूप में रिलीज किया गया था जबकि दोस्तों फिल्म का टेलर टंकी ड्रॉप फोर फाइव दिसंबर दो हजार तेईस को रिलीज हुई थी ड्रॉप फाइव को ड्रॉप फाइव को ग्यारह दिसंबर ओ माही गाने के रूप में रिलीज किया गया था वहीं 17 दिसंबर को दुबई में एक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था ड्रॉप को को 18 दिसंबर बंदा गाने के रूप में रिलीज किया गया था और डंकी ड्रॉप सेवन को 27 दिसंबर को मै तेरा रस्ता देखूंगा गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी ड्रॉप आठ को चार जनवरी दो को लंद चार जनवरी 2024 को चलवे वतना गाने के रूप में रिलीज किया गया था डंकी को नारे के रूप से इक्कीस दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था लेकिन दोस्तों फिल्म को 2024 तक स्थगित करने की अफवाह थी जिसका खान ने जवान 2023 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खान कॉन्फ्रेंस के दौरान खटन किया गया था पेन स्टूडियोज ने पेन मरुधर इंटरटेनमेंट के बैनर बैनर के तहत उत्तर भारत और पश्चिम भारत के लिए नाट्य अधिकार हासिल कर लिए थे श्री गोकुलम मूवीज ने तमिलनाडु और केरल में फिल्म फिल्म के नाट्य वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे राष्ट्रीय ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विपरीत किया गया था पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र में मैसूर क्षेत्र के अधिकार राष्ट्रीय राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विपरीत और पैनोरमा स्टूडियोज द्वारा मैसूर क्षेत्र अधिकार हासिल कर लिए गए थे एस SBF... ने पश्चिम बंगाल के लिए नाटकीय अधिकार हासिल कर लिए थे विदेशी वितरण अधिकार फिल्म के बेच दिए गए थे और होम स्क्रीन इंटरटेनमेंट ने फिल्म के सिंगापुर वितरण अधिकार खरीदे और जबकि दोस्तों लाइट हाउस स्ट्रोवी ट्यूशन ने स्पेन की स्पेन के वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे एक्शन कॉट और इंटरटेनमेंट ने बांग्लादेश में फिल्म वितरित की थी फिल्म के अंतरराष्ट्रीय गैर और नाटक के वितरण अधिकार दो सौ तीस करोड़ में बेचे गए थे जबकि घरेलू गैर नाटक के स्ट्रीमिंग अधिकार जियो सिनेमा द्वारा एक सौ पचपन करोड़ में हासिल कर लिए थे दोस्तों फिल्म की समीक्षा यानी ग्रेटर वेबसाइट रॉ तो पर 19 आलोचकों ने 19 आलोचकों में से तिरपन परसेंट समीक्षाएँ सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग फाइव पॉइंट दस है इंडिया टुडे की तो सार जोशी ने पाँच में से चार स्टार दिए और लिखा कि थ्री इडियट्स या पीके की तुलना में डंकी हिरानी का सबसे अच्छा काम नहीं हो सकता है लेकिन दोस्तों यह अभी भी मनोरंजक करता है और आपको एक गर्म और अजीब एहसास देता है टाइम्स ऑफ इंडिया की श्री परना सेनगुप्ता ने भी पांच में से साढ़े पांच में से 4 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म डंकी की कहानी एक भावनात्मक कहानी है दोस्ती रोमांस दिल दहला देने वाले हैं और दिल को छू लेने वाले हैं लेकिन दोस्तों पलों को एक साथ समेटती है और ट्रेडमार्क में हिरानी शौले में कॉमेडी की भरपूर मात्रा है जो तो तो इसे एक मनोरंजक यात्रा बनने के लिए व्यग्ञ के साथ साथ फिल्म में मजबूत संदेह भी देती है पिंक बिल्ला के एक समीक्षक ने कहा कि एक आधुनिक समय का क्लासिक मन क्लासिक मना लेकिन दोस्तों यह एक गति की आलोचक है बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने कहा कि फिल्म को पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए और सम्मान किया था लेकिन दोस्तों फिल्म सही संदेश और भावनाओं की पृष्ठभूमि भूमि की साथ फिल्म निर्माण और राजकुमार हिरानी की छाप रखती है हालांकि दोस्तों फिल्म जंगी या उनकी पिछली फिल्मों की तरह लेखन के रूप में उत्कृष्ट नहीं है और काफ़ी हद तक खेल बिगड़ता है फिल्म फेयर के देवेश शर्मा फिल्म के समीक्षाओं को पा परे और एक दुनिया के संदेश के प्रसन्न हुआ है और दोस्तों खान और पुन्ना के प्रदर्शन की और हिंदुस्तान टाइम्स की मोनिका राव कुकरेजा ने इसे दिल छू लेने वाली कहानी जो भावनात् भावनाओं से भरपूर है करार दिया लेकिन दोस्तों खान एक पन्नों के प्रदर्शन की प्रशांस करने के बावजूद वह उनकी केमिस्ट्री से नाखुश थी एन के सेवल चटर्जी का मानना था कि फिल्म की ताकत खान के एस्टार ड्रम की सेवा में न रहकर सहायक कलाकारों की विशेष कर विकी कौशल को चमकने, दे, चमकने देने की क्षमता में निहित है फिल्म कंपेनियन के एक समीक्षक ने भी माना था कि कौशल की, की विशेष उपस्थिति ने सरलीकृत और फिल्म को बढ़ाता था द हिंदू के लिए लिखते हुए अनुज कुमार ने फिल्म टंकी को हिरानी में सर्वश्रेष्ठ नहीं माना लेकिन दोस्तों इसमें आपको हंसने और मथन करने के लिए पर्याप्त है मिंटर लॉस के उदय भाटिया ने इसकी तुलना सीमा पर करने के बारे में एक सीरिया एक सीरियाई फिल्म डब्स उन्नीस सौ तिहत्तर से, से नकारात्मक रूप से करते हुए लिखा है लेकिन दोस्तों उस फिल्म के तो केवल के अवैध अप्रवासन और संकट में हद तक तक रखती है जहां तक दोस्तों वह अनुमति देती है और हिरानी और खान अपने सामने होंगे रेडी डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने कहा कि डंकी महत्वाकांक्षा से भरपूर है लेकिन दोस्तों इसका मनोरंज इसका कमजोर आधार इस लगभग तीन घंटे की लंबी यात्रा को दूर में, दूर के ने बदल देता है जिस पर दोस्तों दोस्तों विश्वास करना कठिन हो जा सकता है। इसे खरीदना कठिन हो जा सकता है और स्क्रल इनकी नंदनी रामनाथ ने फिल्म को स्पष्ट और हास्यपद कहकर खारिज कर दिया था और दोस्तों कहा कि अजीब तरह के फिल्म को खान के डिम्पल आकर्षण और तपस्वी पन्नू विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर के उत्साही मोड द्वारा संक्षिप्त रूप से जीवित कर दिया था द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने पांच में से 1.5 स्टार दिए और लिखा कि इसकी क्रैशिंग वोर के रूप में आलोचना की थी और दोस्तों इसे हिरानी की सबसे कमज़ोर फिल्म माना था दोस्तों बात की जाए फिल्म डंकी की डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी दोस्तों फिल्म डंकी के पास किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की तेरहवीं सबसे ज्यादा तेरहवीं सबसे ज्यादा अग्रिम बुकिंग थी और अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने इसने शुरुआत में कुल कमाई अट्ठाईस करोड़ का किया था यानी दोस्तों यूएस में कन्वर्ट की जाए तो 3.5 मिलियन की कमाई की थी इसे दोस्तों दूसरे और तीसरे क्रम यानी दोस्तों 20 करोड़ की कमाई की थी और दोस्तों 7 जनवरी 2024 ने 2007 जनवरी 2024 तक डंकी फिल्म ने भारत में 250.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था वहीं दोस्तों फिल्म इसके अलावा विदेशी बाजार में एक तिरानवे पॉइंट उनचास करोड़ का कलेक्शन किया है वही दोस्तों इस फिल्म ने अपने अनुमति कलेक्शन यानि दुनिया भर में चार से बावन पॉइंट सतासी करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया है वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो इस फिल्म में डंकी मूवी में सुपर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेता तपस्वी पन्नू विक्की कौशल बोमनी रानी जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ सुपर स्टार अभिनेत्री तपस्वी पन्नू देखने को नजर आने वाली है वही दोस्तों बात की जाए यह एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने दोस्तों तपस्वी पन्नू के नाम से जाना जाता है यह एक भारत तो भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती है उन्होंने दोस्तों कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें से दो फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्मफेयर ओ पुरस्कार शामिल है या एक ओ फिल्मफेयर टी पुरस्कार शामिल है दोस्तों एक संक्षिप्त मॉडलिंग कैरियर के बाद पन्नू ने 2010 की तेलुगु फिल्म झुमडी नदम से अभिनय की शुरुआत की थी जो 2011 की तमिल फिल्म कलम में अभिनय किया था उन्होंने दोस्तों डेविड की कॉमेडी चश्मे बदर 2013 से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में मुख्य महिला की भूमिका निभाने के बाद पन्नू को हिंदी चासोसी फिल्म बैवी 2015 और कोट कोटरूम ड्रामा पिंक 2016 हजार में उनके प्रदर्शन के लिए नोटिस मिला था जो दोस्तों दोनों महत्वपूर्ण और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी अभिनेत्री पन्नू को हिंदी सिनेमा में वार ड्रामा द गाजी अटैक 2017 सोशल ड्रामा मुल्क 2018 रोमांटिक ड्रामा मन मर्चिया 2018 थ्रिलर बदला 2019 और एस एस ड्रामा मिशन मंगल 2019 में प्रसिद्ध मिली थी की 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 आंख 2019 में 17 साल की, साल की पार, सार्प, सुडर और प्रकाशी तोमार की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर क्रिएटिव अवार्ड जीता था दोस्तों अनुभवी सिन्हा अनुभव सिन्हा के नाटक थप्पड़ 2020 में तलाक से गुजर रही और गृहिणी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें पुरस्कार जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फेयर पुरस्कार तब से उन्होंने एस्ट्रीमिंग फिल्मों और हसीन दिल रोबा 2021, रश्मि राकेट 2021 और लूप लपेटा लप 2022 में अभिनय किया था वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म की सुपर स्टार अभिनेत्री तपस्वी जो कि दोस्तों तपस्वी पन्नू 2010 में रागेंद्र राव की रोमांटिक रोमांटिक म्यूजिक झुम्मी नंदम से सिनेमाई शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों यूएसए स्थित एक करोड़ पति की बेटी की भूमिका निभाई दोस्तों पारंपरिक तेलुगु संगीत और शुद्ध करने के लिए भार, भारत आती है। उदाहरण यानी दोस्तों फिल्म की रिलीज से पहले पन्नू को तेलुगु में तीन और अप्रवास मिले थे उनकी अगली फिल्म आडू कलाम 2011 ने तीन 2011 में कारन तो ने तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की थी उन्होंने दोस्तों एक एंग्लो इंडियन लड़की की भूमिका निभाई जिसे दोस्तों धनुष द्वारा निभाए गए।, गए एक ग्रामीण व्यक्ति से प्यार हो जाता है मुद्दे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मुर्गे की लडाई के इर्द गिर्द घूमती है इसे दोस्तों समीक्षा को द्वारा सराहा गया था और 58वें फिल्मफेयर 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में छह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले सफर रही थी दोस्तों उनकी भूमिका के बारे में बोलते हुए सीफी के एक समीक्षक ने कहा कि नदित अभिनेत्री तपस्वी पन्नो एक अवश्यजनक खोज है जो दोस्तों और एक एंग्लो इंडियन लड़की के किरदार में फीट बैठती है यह विष्णु विष्णु मंसू के साथ वस्तादू नाराजू दो हज़ार के साथ तेलुगु फिल्म उद्योग में लौटी और उन्होंने उस वर्ष के अंत मम्मोटी और नादिया मोइू के साथ डबल्स 2011 के साथ मलायम सिनेमा में कदम रखा था रेडिफ के परेश सी और पालिचा ने टिप्पणी की थी कि सराहा सारा बन्नो के रूप में तपस्वी पन्नु जिसका दृश्य में प्रवेश भाई बहनों के बीच विवाद का कारण बन जाता है उसके दोस्तों उसके पास करने वाले उसके पास करने के लिए कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है अभिनेत्री पन्नू के अपनी अगली रिलीज मिस्टर परफेक्ट 2011 में एक छोटी सी भूमिका निभाई इसमें दोस्तों उन्होंने प्रयास और काजल अग्रवाल के साथ काम किया था दोस्तों उन्होंने रवि तेज और काजल अग्रवाल के साथ वीरा 2011 नामक का एक उच्च बजट वाली फिल्म में अभिनय किया था जिसे दोस्तों मध्यम समीक्षा मिली थी। उन्होंने अगली बार उनकी दूसरी तमिल फिल्म बधन वेंद्रा में देखा गया था जिसमें दोस्तों श्रीम। जिसमें दोस्तों विशेष समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थी उनकी अगली फिल्म कृष्णा वामसी की मोगुडु थी जिसमें दोस्तों उन्होंने गोपीचंद के साथ एक प्रमाण एक पारंपरिक तेलुगु लड़की की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा हासिल की थी उन्होंने दोस्तों इस समय कई तेलुगु फिल्म में काम किया था जिसमें दोस्तों गुंडेलो और गोदारी दारूबू और अर्थ और दोस्तों सैडो शामिल है 2013 तो में दोस्तों पन्नू ने डेविड थोन की चश्मे बद से हिंदी फिल्म में टीवी किया था उन्होंने दोस्तों कलाकार सिद्धार्थ ऋषि कपूर और दिवेदू शर्मा और अली जफर थे उन्नीस सौ इक्यासी की इस नाम की फिल्म का रीमेक है इसे दोस्तों सर्वसम्मानित से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल बाद में में दोस्तों उन्हें बड़े बजट की एक्शन बम अजित कुमार नैंतरा और आर्य के साथ देखा गया था उन्होंने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और तामिल के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने करने के अलावा फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए 2014 एडिशन अवार्ड सबसे उत्साही कलाकार महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एक साल तक बिनी रिलीज रहने के बाद उन्होंने नीरज पांडे की फिल्म बेबी 2015 में अक्षय कुमार के साथ अंडरकवर एजेंट सबाना खान की सहायक भूमिकाओं के लिए जाना गया था बाद में दोस्तों उनकी दो फिल्में रिलीज हुई हरका कॉमेडी मुन्नी थ्री राव राघव लारेस के साथ और ऐश्वर्या राय धनुष की वो राजा वो जिसमें वह एक विशेष भूमिका में थे रनिंग शादी की शूटिंग के दौरान सुजित सरकार ने कोटर रूम ड्रामा पिंक के लिए पन्नों से संपर्क किया गया था वह इस विषय को लेकर उत्सुक्त और उत्साहित थी क्योंकि दोस्तों इसी विषय पर मुख्यधारा के सिनेमा मुख्यधारा के सिनेमा और अभी तक सीधे तौर पर विचार नहीं किया गया था यह फिल्म सिद्धे यह फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन कीर्ति कीर्ति कु, कुल्हारी और एड्रिया तारंग भी थे तीन लड़कियों पर आधारित थी जो दोस्तों एक राजनेता के अवितेज के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला लड़ती हैं अभिनेत्री पन्नू की 2017 की पहली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी रनिंग शादी थी जिसमें दोस्तों उन्होंने एक पंजाबी लड़की की भूमिका निभाई थी जो दोस्तों भाग भागकर शादी करने वाले जोड़े के मदद करती है और फिल्म को मिश्रित आलोचना प्रतिक्रिया मिली है लेकिन दोस्तों अभिनेत्री पन्नू को उनके प्रदर्शन के लिए सर्व सर्व सम्मानित से प्रशांस मिली थी इसके बाद दोस्तों उन्होंने उन्नीस सौ उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पी एन एस गाजी के रहस्य ढंग से डूबने पर आधारित नौसैनिक युद्ध, नाटक और द काजी अटैक में अभिनय किया था फिल्म को तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया था। था। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन रहा पन्नू ने अपनी फिल्म बैवी के एसपिन एफ एफ नाम सबाना में अपनी भूमिका दोहराई और पांडे ने देखा कि वेबी की विशेष एजेंट सबाना खान की भूमिका में पन्नू को सात आठ मिनट के दृश्य को खूब सराहा गया था जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कहानी को एक मोड देने का फैसला किया था इस भूमिका के लिए उन्हें गुंडो और करवा मग्गा जैसे दोस्तों मिश्रित मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप से चल लिया गया था लेकिन दोस्तों इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्म और पन्नू के प्रदर्शन दोनों को मिसेस प्रतिक्रिया लैडी डेली न्यूज एनालिसिस की सरिता ए तौर ने कहा कि वह एक हर दृश्य की शानदार है जबकि दोस्तों मिंट की उदित झुंझुनू वाला को लगा कि वह शायद ही पसंद करने योग्य है पन्नू की बात की भूमिका है तेलुगु हर्र कॉमेडी फिल्म आनंदो ब्रह आनंदो ब्रह में एक भूत और भूत की और एक्शन कॉमेडी जुड़वा टू में नायक की प्रेमिका थी उत्तर बाद जो दोस्तों उन्हें से संतानवे में इसी नाम की फिल्म की रिबूट थी फिल्म डंकी में अभिनेता सुपरस्टार किंग खान और अभिनेत्री पन्नो की जोड़ी को दोस्तों दर्शकों काफी पसंद कर रहे थे दोस्तों इन दोनों जोड़ी की फिल्म में काफ़ी अच्छी तरह से निभाई है वही दोस्तों अभिनेता सुपरस्टार अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान और अभिनेता डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की डायरेक्टर में बनी फिल्म डंकी जो कि दोस्तों इस फिल्म को दर्शकों देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं